जंबो मैं आ रही है बाबी, ऑन द वे बाबी, मैं आ गई बाबी। अरे पहले तो ये जंबो नाम तुम्हारा किसने रखा? बाबी, जब जंबो जेट हो सकते हैं, जंबो प्रॉन हो सकते हैं, तो जंबो नाम क्यों नहीं हो सकते? ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? आपके देवर ने लगाए। तुमने? ऑफ कोर्स, ये आर्टिस्टिक पीस मेरे को एक आदमी ने लिफ्ट में गिफ्ट के तौर पर दिए थे। तो फिर ये पीस तुम अपने घर में लगाओ। यहाँ यहाँ मेरे भगवान की तस्वीर आएगी या मेरे पति की, समझे? बाबी, दुनिया किधर से किधर पहुँच चुके हैं। आज के एल सैगल की जगह बाबा सैगल ने ले ली है, अशोक कुमार की जगह अक्षय कुमार ने ले ली है, मीरा कुमारी की जगह ममता कुमारी ममता कुलकर्णी ने ले ली है। भजन कीर्तन को छोड़ो, पैरों की मेहंदी को हटाओ, दिलेर मेहंदी को लगाओ और मेरे साथ गाओ। साढ़े नौ रहोगे तो ऐश करोगे, साढ़े नौ रहोगे तो जल्दी से ये तस्वीर यहाँ से निकालो। ओके ओके ओके, मैं हटाते हैं। आई एम सॉरी बेबी, बाबी का हुक्म, अंदर जाके कपड़े बदलो। ओके ओके, काजल काजल, अरे काजल, ये भगवान की तस्वीर की जगह ये गंदी तस्वीर किसने लगा दी? काजल, अरुण भैया, ये तस्वीर मैंने लगाई है। तुमने लगाई है? या कितने अच्छे फेस है, कितने अच्छे फिगर है, ऐसी ब्यूटीफुल बॉडी सुबह सुबह में सुबह सुबह देखेंगे तो आंखों में चमक आ जाएंगी। आंखों में चमक नहीं, आंखें खराब हो जाएंगी। या सिर्फ भगवान की तस्वीर लग सकती है या मेरी पत्नी काजल की। हटाओ इसे। ओके ओके, सॉरी बेबी। देखिए जंबो की करतूत, मैं कहती हूँ आप उसे दोस्ती तोड़ दीजिए, वरना एक दिन आपके दिल में मेरी तस्वीर की जगह किसी और की तस्वीर लगा देगा। हाँ, इस जन्म में तो कभी नहीं हो सकता काजल, इस घर की हर चीज बदल सकती है, लेकिन जो तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में है वो कभी नहीं बदल सकती। इतना प्यार करते हो मुझसे? ऑफ कोर्स, आखिर तुम मेरी इकलौती पत्नी हो। क्या कर रहे हो? पिताजी आ जाएंगे। अरे हाँ, इस घर में मेरे पिताजी भी तो है, वो कहाँ है? ये कहानी है एक राजा की। उसके साथ सुंदर सुंदर बेटे थे। एक बार राजा मछलियों के शिकार पे चला गया। दादाजी, मछली पकड़ी जाती है, उसका शिकार नहीं किया जाता। हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा चलो, मछलियाँ पकड़ने गया, खुश खुश। तो एक बार बेटे, ये ब्लेड मुझे दो। सॉरी दादाजी। सॉरी की बात नहीं बेटा, हाथ कट जाएगा, तुम्हारे हाथ छोटे छोटे हैं। एक मिनट में अभी आया, काटना है तो इससे काटो। दादाजी, आप मुझसे नाराज तो नहीं हुए? नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज होगा। इसको काट, बाद में सोफे को काट, बाद में उस सोफे को काट, सब काट डाल। दादाजी ये देखिए, रिंकू फिश टैंक में से मछलियाँ पकड़ रहा है। हाँ हाँ, पकड़ने दे। दादाजी मुझे मत मारे, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए। ना बेटा ना, मैं तुझे मारने नहीं, तू पैर संभाल, शीशा लग जाएगा। मैं तुझे उठाने आ रहा हूँ, तू ऐसी खड़े रहना। आजा 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 बेटा, नीचे नहीं रखना, नीचे नहीं रखना। ला पैर देखो, पैर देखो तो अली ले ले ले। कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? नहीं दादाजी। अरे बापले, छोटे छोटे पाँव में कैसे लग गए? मैं पूछ देता हूँ, एकदम साफ कर देता हूँ। बाबा, मैं छोटा छोटा पाँव ला बेटा, ये भी ला, बस संभाल के बेटा। हाँ, लग नहीं रहा है ना? नहीं दादाजी। कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। मैंने साफ कर दिया पूरा। ले, इसी बात पे ये तेरा इनाम। थैंक यू दादाजी। दादाजी हमें भी चॉकलेट दो। क्यों, तुम्हें किस खुशी में दूँ? आपने फिर रिंकू को क्यों दिया? इसने तो फिश टैंक तोड़ा है, तुमने क्या तोड़ा? जियो मेरे लाल। और तोड़ो, शाबाश शाबाश, बस बस बस, मेरे छोटे बहादुरो, अब मैं तुमको चॉकलेट नहीं केक खिलाऊंगा। गाओ केक 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 केक, संभाल के। हाँ चलो, ये तुम लो छोटू, ये तुम लो बड़ा वाला। हाँ ये तुम लो हीरा लाल जी, बच्चों के स्कूल जाने का वक्त हो गया है। चलो गोविंदा, सलमान, शाहरुख, चलो स्कूल जाओ।
चलो 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 बेटा, चलो चल जल्दी करो। भाई साहब हमारे बच्चे। हाँ चलो जयप्रदा माधुरी श्रीदेवी, चलो तुम लोग भी स्कूल जाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। ये आपका सामान तोड़ते तो आप मुस्कुराते हैं और यही हरकत घर पर आकर करते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों को यहाँ कभी नहीं भेजूंगी। चलो बच्चों चलो चलो। आपका चश्मा, जरा संभल के चलिए। सामान टूटने पर दुखी मत हुई पिताजी, नया आ जाएगा, प्रॉब्लम क्या है? मैं सामान के टूटने पर दुखी नहीं हूँ, बच्चे चले गए इसलिए दुखी हो रहा हूँ। अगर चले गए तो क्या हुआ पिताजी, शाम को वापस आ जाएंगे? हाँ, और रात होते ही चले जाएंगे। तुम्हारे बच्चे होते तो कभी जाते यहाँ से? 3 साल हो गए तुम लोगों की शादी को, एक बच्चा नहीं है घर में। क्या मेरा मन नहीं करता बच्चों को सीने से लगाने के लिए? अरे अजय की शादी उस वक्त हुई थी जब अरुण की हुई थी, 3 साल में 4 बच्चे हो गए उसके। 3 साल में 4 बच्चे? हजमत ये जुड़वा भी हुआ था। अब महेश्वर को देखो, 1.5 साल हो गए इसकी शादी को, 1.5 साल का बच्चा लेके घूम रहा है। 1.5 साल में 1.5 साल का बच्चा, ये कैसे हो सकता है पिताजी? कैसे? वो मुझे नहीं मालूम, उसको जाके पूछ। मेरे कहने का मतलब है कि क्या तेरा मन नहीं करता कभी बहू को खट्टा खिलाने को, इमली खिलाने को या अचार खिलाने को? इतनी सी बात है पिताजी, ये तो मैं शाम को ऑफिस से आते आते ले आऊंगा। अरे बुद्धू, ये खिलाने का मजा तब है जब बहू का मन करे ये खाने को, और बहू का मन तब करेगा जब इसके पैर भारी होंगे। चलता हूं। अरे ये क्या काजल, पिताजी की बातों से उदास हो गई? अब मैं उनके ताने नहीं सुन सकती। उनकी बातों का बुरा नहीं मानते, जिनके घरों में बच्चे नहीं होते ना, उनकी यही कहानी है। पिताजी की बातों में सच्चाई है, हमारे खानदान की लड़कियां ससुराल पहुंचती उनके पैर भारी हो जाते हैं। और मैं 3 साल से बैठी हूँ। अरे तुम कहो तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूं, ओके? मजाक मत करो, क्यों ना हम किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। ये नहीं काम सबसे पहले करना बहू। अरे पिताजी आप हम लोगों के बेडरूम में घुसकर चोरी छुपे हम लोग की बातें सुनते हो, आपको शर्म नहीं आती? तो शर्म की क्या बात है, मैं कोई देख थोड़ी रहा था, मैं तो कान खोल के सिर्फ कमेंट्री सुन रहा था। बच्चा नहीं हो रहा था तो मुझे शंका हो रही थी कि कहीं तुम लोग फैमिली प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो, मगर बहू की बात सुनकर मेरी शंका दूर हो गई। बेटी जितनी जल्दी हो सके किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लेना। नर्स 402 कोई डॉक्टर है? क्यों मैं आपको नजर नहीं आ रहा क्या? तो तुम क्या डॉक्टर हो? यस। कैसे? ऐसे ऐसे ये मुझे डॉक्टर कम जोकर ज्यादा नजर आ रहा है। पिताजी ये बहुत नामी डॉक्टर है शहर के। नामी? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर वेद। डॉक्टर भी है, वेद भी है? डॉक्टर वेद। ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तो डॉक्टर वेद, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अंकल ये बहुत बड़े डॉक्टर है, टीवी पे दिखाई देते हैं। टीवी पे तो जानवर भी दिखाई देते हैं, ये वही आएंगे। देखो क्या बोल रहा है, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? इनकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात सुनो, मैं बता दूं, मेरी तो सुनो। अभी हाल ही में बेल्लोर में एक डॉक्टर ने एक मरीज का ऑपरेशन करते हुए चोरी से उसकी किडनी निकाल ली। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? पिताजी तुम्हारा उस गैंग से कोई ताल्लुक है? लुक एट हिम। सुनो पहले, और ऑपरेशन के बाद उसी डॉक्टर ने उसी मरीज के पेट में कैंची छोड़ दी जिससे वो मर गया। पिताजी आप क्या उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं? ये मुझे वही लगता है। ये मेरी बीवी है काजल, आप इसका टेस्ट कीजिए प्लीज। आइए आइए आइए। अरे यार चलो काजल। अरे ये टेस्ट करवाने के लायक नहीं, इसका तो खुद टेस्ट करवाना चाहिए। ओके 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 डॉक्टर साहब, ओके ओके। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, मेरे बाबी की टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। हाँ आ गई। आई एम सॉरी मिस्टर अरुण, आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि रिपोर्ट बदल गई हो या फिर टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई हो? ना, यही सच है। डॉक्टर साहब इफ यू डोंट माइंड, अगर हम काजल को किसी स्पेशलिस्ट को, अपने दिल की तसल्ली के लिए आप कुछ भी कर सकते, लेकिन रिजल्ट यही होगा। आई एम सॉरी। क्या यही वजह काफी नहीं है तुम्हारी दूसरी शादी के लिए? ये आप कैसी बातें करें पिताजी? जो औरत मां नहीं बन सकती उसे तुम्हारी पति बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पिताजी आप जानते हैं मैं काजल से बेहद प्यार करता हूँ,
मैं जानता हूँ तू बहुत प्यार करता तेरे उसी प्यार की खातिर। मैंने इसके बारे में ना कोई पूछताछ कराई, न कोई जहेज मांगा और तेरी शादी इससे करा दी। और अब आप उसी शादी को तोड़ देना चाहते हैं? मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, वक्त तोड़ रहा है, हालात तोड़ रहे हैं। तू अपने दिल पे हाथ रख के बता, तू माँ बन सकती है, मुझे पोते पोती का सुख दे सकती है, इस खानदान को उसका वारिस दे सकती है। अरे जब नहीं दे सकती तो क्यों इज्जत करती है? उतार दिए मंगलसूत्र, इसको दूसरी शादी कर लेते। बस पिताजी बस, बहुत हो गया। अभी बहुत नहीं हुआ बेटा, अभी बहुत होना बाकी है। सुन मेरी बात, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को तू आग देगा, मेरा अंतिम संस्कार तू करेगा। अरे एक दिन तू भी तो मरेगा, तेरे मरने के बाद तेरी चिता को आग कौन देगा रे? मेरे मरने के बाद मेरी चिता को कौन आग देगा? इसके लिए मैं अपनी जिंदगी में आग लगा दूं? ये क्या बात हुई पिताजी? देख मैं फजूल की बहस नहीं सुनना चाहता, खानदान की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए तुझे मेरा ये हुक्म मानना पड़ेगा। चलिए मैं आपका हुक्म मान भी लेता हूँ, जो दूसरी आएगी उसकी क्या गारंटी है कि वो आपको पोता देगी? ना दे तो तीसरी शादी कर लेना, चौथी कर लेना, जब तक इस खानदान को वारिस नहीं मिलता शादी करते रहना करते रहना। पिताजी मैं कहाँ जाऊंगी? देख अरुण की पहली पत्नी होने के नाते तेरी जिंदगी घर जिम्मेदारी को पूरा करना हमारा फर्ज है, लेकिन मुझे इस खानदान का वारिस चाहिए बस। अगर यही आपका आखिरी फैसला है तो फिर मेरा भी फैसला सुन लीजिए, मेरे जीते जी मेरे आखिरी सांस तक मैं इनकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। मुझ पर किसी धौंस धमकी का कोई असर नहीं होने वाला, मैं अरुण की दूसरी शादी कराऊंगा और करा के रहूंगा। अच्छी बात है, तो फिर आप भी देख लीजिए। काजल काजल काजल, क्या हुआ अरुण भैया, दिन में भी सपने देख रहे हैं? ओके सलाम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक घंटे के लिए मुझे कोई फोन मत देना। ओके। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर मैं अरुण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मिस्टर अरुण, बोलो। डॉक्टर कुछ देर के लिए आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? क्यों, कोई खास बात है? हाँ डॉक्टर आप आइए तो बताता हूँ। ओके मैं अभी आता हूँ। चंबो, अगर पिताजी को पता चल गया कि काजल कभी मां नहीं बन सकती तो वो काजल से तलाक दिलवाकर मेरी दूसरी शादी की जिद करेंगे, और अगर काजल को असलियत का पता चल गया वो तो आत्महत्या कर लेगी। मतलब मामला दोनों एंगल से गंभीर होंगे। बस कर जंबो, अगर पिताजी को हम ये बताते हैं कि कमी काजल में नहीं मुझमें है, फिर तो मेरी दूसरी शादी की जिद नहीं करेंगे, तब वो काजल की दूसरी शादी करवा बैठेंगे। अरे तू पागल हो गया? यू आर राइट अरुण, अगर मैं तुम्हारी रिपोर्ट बनाकर पिताजी को दिखाऊं और उनसे कहूं कि कमी तुम में है, मगर ये कमी दवाइयां खाने से दूर हो जाएगी, और थोड़े दिनों के बाद मैं उनसे कहूं कि दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, इलाज जारी रखना पड़ेगा, और फिर कुछ दिन और गुजर जाने के बाद अगर मैं उनको सच्चाई बता दूं तो उन पर इतना असर नहीं होगा, क्योंकि गुजरता हुआ वक्त बड़े से बड़े मसले को सुलझा देता है। बस डॉक्टर आप मेरी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। हो जाएगा हो जाएगा, डोंट बॉदर। पहले मुझे शक था मगर अभी यकीन हो गया। आई टोल्ड यू कि तुम डॉक्टर नहीं हो। एक काम करते हैं, मैं आपका ऑपरेशन करता हूँ, अगर आप बच गए तो आपको पता लग जाएगा कि मैं डॉक्टर हूँ, और अगर मैं नहीं बचा तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन मरने के बाद मैं तुमसे बदला कैसे ले सकूंगा? तो फिर यकीन रखिए और इनको ये दवाई पिलाते रहिए। डॉक्टर साहब अगर मैं इन्हें ये दवाई पिलाती रहूं तो क्या वाकई मैं माँ बन जाऊंगी? देखिए अगर आप ईमानदारी से ये दवा इनको पिलाती रही तो मैं गारंटी देता हूँ कि 3 महीने के बाद आप माँ बन सकती हैं। पिलाते रहिए। अच्छा आप पिलाते रहिए। अरुण अरे ये तो सो गए, चलो उठो दवाई पी लो। दवाई को छोड़ो काजल, भगवान को बच्चा देना होगा तो दे देगा, तो मेरी भावना। अरे अरे क्या कर रहे हो? चलो ना, जब तक दवाई नहीं पियोगे बच्चा कैसे होगा? ये लो एक सांस में दवाई पी लो। कड़वी है। पी लो पी लो पी लो पी लो। कुछ हो रहा है? पिताजी पिताजी पिताजी, अरुण को उल्टी हो गई। अरुण 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 को उल्टी? अरे बस क्या खुशखबरी सुनाई है, क्या नहीं बता तो पागल हो जाऊंगा। अरुण कहाँ कहाँ रहा? मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की पिताजी? अरे तू बाप बनेगा, मैं दादा बनूंगा। पिताजी अब मुबारकबाद की उल्टियां नहीं है,
ये जो मैंने दवाई पी है ना उसकी उल्टियां हैं। और मेरे उल्टियां करने से काजल थोड़ी माँ बनेगी। अरे माफ करना बेटा, बेटे की लालच में मैं ये भूल गया था कि उल्टियां माँ को करनी चाहिए कि बाप को करनी चाहिए। इसका हल भी मुझी को ढूंढना पड़ेगा, और किसी से तो कुछ होने वाला है नहीं। क्या बेवकूफ आदमी मैं। बीबी जी, मैंने सुना है तुम्हारे पति कुछ कर नहीं पाते। किसने कहा रही तुझसे? वो तुम्हारे ससुर जी है ना, उन्होंने किसी को बताया था, फिर उसने किसी को बताया, उसने अपनी पत्नी को बताया, और उसकी पत्नी ने मेरे को बोला। ए भाजी वाली चुप कर। काजल, पिताजी का पेट तो औरतों से भी ज्यादा हल्का है, कोई बात पेट में बचती नहीं। क्या जरूरत है घर की बात बाहर कहने की? और सुन, खबरदार इस घर की बात बाहर गई तो अपनी भाजी भेजो, दफा हो जा। एंड काजल, यू कम इनसाइड इमीडिएटली। पति से कुछ होता नहीं, दवाई पी रहा हूँ आजकल। बीबी जी, इसका मतलब जो कुछ मैंने सुना है वो सच है, है ना? एक बात बताऊं बीबी जी, कमजोर मरद को ये सेंग की सब्जी खिलानी चाहिए। मेरे मरद को भी एच बीमारी थी, फिर कोई बोला कि सेंग की सब्जी खिलाओ, बस 2 महीने से एच खिला रही हूँ, अब देखो। तू सच कह रही है? झूठ क्यों बोलूंगी? एक काम कर, ये सारे सेंग मेरे लिए तोल दे। लो, अब जल्दी कर। क्या बात है, आज बहुत प्यार से खाना सजाया। प्यार से खिलाऊंगी दी। अच्छा, ये सिंघर की दाल, ये सिंघर का अचार, ये सिंघर का हलवा, और ये सिंघर के फूलों की सब्जी। सिंघर सिंघर, इतना सिंघर मैं कैसे खाऊंगा? और ये खाना हजम करने के लिए सिंघर की चाय। पिताजी, इतना सिंघर मैं नहीं खा सकता। अरे फिर तो बाप भी खाएगा। बैठ, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। इतना सिंगल क्यों खिला रहे आप लोगों? तो जिंदगी अखाड़े में काम आएगा।
तो सिखाई है, मार गई हाय सनम तेरी हर अदा। क्यों मैं चुराऊं उस चीज को, क्यों मैं चुराऊं उस चीज को, जो है तेरा वो मेरा है मेरा। डॉक्टर साहब, मेरी शादी हुए 2 साल हो गई है, पर मैंने अपनी पत्नी को आज तक टच नहीं किए। वो चाहते हैं कि टच करें, पर मेरा दिल नहीं मानते हैं। कृपया राज बताएं। सिंपल, उसकी शादी किसी दूसरे से करवा दें, उसको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ओके। दूसरा लेटर है शर्फू हैदराबाद से। डॉक्टर, मेरा बेटा बाप बनने लायक नहीं थे। डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहे कि मैं जो दवाई दूं आपका बेटा खाए तो आपकी बहू गर्भवती हो जाएगी। 2 साल से मेरा बेटा कंटिन्यूसली दवाई खा रहे हैं मगर फायदे नहीं हुए। ऐसे फ्रॉड डॉक्टर से बचो। अरे दवाई और कैप्सूल से बच्चे थोड़े होते हैं, अगर लड़के में कमी है तो कभी पूरी नहीं होगी। ओके। तुम्हारी जान लगी क्या? फ्रॉड, गलत रिपोर्ट बता के मुझे बेवकूफ बनाया, इतनी मार मारूंगा कि जिंदगी में तेरी औलाद पैदा नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? आपको पोते पोतियां जरूर होंगे। सच? अभी तूने कहा गोलियां और कैप्सूल खाने से बच्चे पैदा नहीं होते, झूठ क्यों बोला तूने? सच बात यह है जी कि आपके बेटे में कोई कमी नहीं है, कमी है आपकी बहू में। और ये सारा नाटक करने के लिए आपके बेटे ने मुझे बोला था। मुझे पकड़ो, अपने बेटे को पकड़ो जी। नाटक अरुण कहे गुड मॉर्निंग सर। तुम कौन हो? वॉचमैन कहाँ? उसकी जगह मुझे रखा है। किसने? बिग बॉस ने। शर्मा, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आप सब कौन है? आपके ऑफिस का स्टाफ। अरे मेरे ख्याल से मेरे स्टाफ में एक स्टीनो के लिए बाकी सब तो मर्द है, वो सब कहाँ गए? उन सब की जगह हमें रखा है। किसने रखा है? बिग बॉस ने। ये बिग बॉस कौन है? आई एम द बिग बॉस। पिताजी एक बात बताइए, क्या वाकई आप मेरे पिता हैं? क्यों, तुझे शक क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकता।
एक बाप अपने बेटे से पोता पाने के लिए सब कुछ कर सकता है। पिताजी दवाई तो मैं ले रहा हूँ ना। इस दवाई की हकीकत मुझे मालूम पड़ चुकी है। मैंने तेरे डॉक्टर को धमकाया तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे मालूम है कि तू काजल से बहुत प्यार करता है, मगर वो प्यार तुझे बच्चा नहीं दे सकता। लेकिन इनमें से किसी एक को पसंद कर ले और मुझे दादा बना दे। पिताजी मैं मर सकता हूँ मगर काजल के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। ऐसा? हाँ। तो मैं भी तेरा बाप हूँ, तुझे बाप बना के रहूंगा। और कैसे बनाऊंगा देख ले। सुनाओ, जो लड़की अपनी खूबसूरती से, अपनी चमत्कार से मेरे बेटे को अपना लेगी, उसको एक फ्लैट, एक मारुति कार और 10 लाख रुपया इनाम में मिलेगा।
नाचती है नचाती भी है, ये भागती है भगाती भी है। अच्छा बेटा, अच्छा बिल्कुल भी आ जा, चॉकलेट दे दो ना। अच्छा अच्छा, अरे अरे संभालो उसको रामू, मेरा बच्चा गिर जाएगा, उठाओ उसको। अरे पिताजी क्या गड़बड़ा रहे हैं आप? पिताजी मेरे बच्चे कहाँ, मेरे पोता पोती कहाँ? कौन से बच्चे, सपना देख रहे हैं आप? सपना ही देखूंगा, तुमने पोता पोती तो दिया नहीं, तो सपनों से दिल बहला लेता हूँ। बच्चे नहीं है मेरे पास। अरुण कहाँ है? ऑफिस गए हैं। लीजिए चाय पी लीजिए। अरे आप लोग सब यही हैं, प्लीज गेट आउट, आप लोग जाइए यहाँ से, दफा हो जाइए। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। कोई नहीं जाएगा इनमें से, मैं वापस बुला के लाऊंगा। अरे कैसे पिता हैं आप, मुझे कैरेक्टर से गिरा रहे? अपने पोते को पाने के लिए मैं तुझे कहीं से भी गिरा सकता हूँ, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग, हु आर यू? गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए, ये सब क्या हो रहा है? और तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, तेरा बूढ़ा बाप अपने पोते के लिए तड़प रहा है, तू उसकी तमन्ना पूरी नहीं कर सकता। पिताजी आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन काजल की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। क्या कहा, नहीं दे सकता? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। पिताजी क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ, क्या हुआ पिताजी? पानी, 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 पुड़िया मिला के मुझे पिला दी। क्या इसमें पुड़िया में क्या पिताजी? दो पियो पिताजी, ये लो। अब कैसा लग रहा पिताजी? अब क्या लगेगा, अब तो मैं जा रहा हूँ। नहीं पिताजी ऐसा मत कहिए। तूने मुझे पोता तो नहीं दिया, मगर अपने हाथों से जहर जरूर दे दिया। जहर? हाँ, उस पुड़िया में दवाई थोड़ी थी, जहर था। इसमें जहर था? मैं चरक भंडार से असली जहर लेकर आया हूँ बेटा। डॉक्टर मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हेलो मैं जा रहा हूँ, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब पिताजी कैसे? अजी पूरा जहर निकाला, लेकिन होश में आते ही चिल्लाने लगे, मुझे बचाया क्यों, मुझे क्यों बचाया? एक नर्स के हाथ से डिटॉल की बोतल छीनकर कोको कोला की बोतल की तरह पीने लग गए। अब तुम मर गए होंगे। उनको उल्टी कराने के लिए बाथरूम ले गए, बाल्टी में रखा फिनाइल जूस की तरह पी गए। अरे तब तो जरूर मर गए होंगे। नहीं, फिर भी बच गए। उनको खाट से बांध दिया, उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, वहाँ अपनी उंगलियाँ इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में घुसेड़ दी। तब तो 100% मर गए होंगे। अरे बड़ी सख्त जान है, फिर भी बच गए। लेकिन अब वो किस बोर्ड में? अंदर अंदर जाकर देखिए, मैं डिटॉल पी रहा हूँ, सॉरी पानी पी कर आता हूँ। छोड़ दो पिताजी, पिताजी आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैं आज अपनी जान दे दूंगा, नहीं तो तू आज मेरे सामने दूसरी शादी का वादा कर। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, लेकिन इसके लिए कोई लड़की भी तो होनी चाहिए। लड़कियों की क्या कमी है, यहाँ इतनी सारी नर्सें हैं, किसी का हाथ पकड़ ले, गले में मंगलसूत्र बांध दे, ये है ना, तो करेगी ना शादी? अरे इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, नर्सेज योर प्लीज गो आउट। ओके, मैं नेपाल जा रहा हूँ 10-15 दिन बिजनेस के लिए, आते ही जिस लड़की से आप कहेंगे उससे शादी कर लूंगा। वादा करता है? वादा करता हूँ। पक्का? प्रॉमिस। सुन रहे गजय? यस अंकल। तू भी नेपाल जा रहा है ना? यस अंकल। तो शादी की याद दिलाते रहना। यस अंकल। ओके बोल। ओके ओके ओके। कॉल अप। ओके ओके, अरुण भैया हवाई जहाज में कितने अच्छे हवाई जहाज। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। मैं अरुण,
और ये जंबो है। ये हमारे नेपाल के मैनेजर है राम गोपाल। वेलकम राम गोपाल जी, ये झुकझुक के क्या कर रहे हैं? ये मैं नेपाली स्टाइल में आपको वेलकम कर रहा हूँ सर। ओके ओके, हमारे इंडिया में भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा ओके, वेलकम वेलकम, थक जाएंगे। अच्छा आइए करिए। ओके अरुण भैया, नेपाल की ठंडी में कुछ ठंडी ठंडी क्यों लग रही है? अबे उल्लू की तुम, हिमालय की तराई में आके ठंड नहीं तो क्या लू लगेगी? बैठिए ना सर। ओके चलो। अरे यहाँ कहाँ डोर में बंद कर रही थी। हो गया भाई, ये गाड़ी क्यों खराब हो गई? लगता है पेट्रोल में कचरा आ गया, कार्बोरेटर चेक करता हूं। ओके अरुण भैया, तब तक घूम घाम ही करके नेपाल की ड्यूटी की देख अदा की करते हैं। ओके ओके, हम अभी आते हैं जी। ओके ओके, चेक करो। कितनी खूबसूरत वादियां हैं, कितनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं। अरुण भैया, मेरा इस खूबसूरत लोकेशन पे दिल खड़ रहे हैं कि भाई सुसुक करो। चलो चलो, यानी यानी जब ओहो, यही वजह मैं तुझे कहीं लेके नहीं जाता। ओके ओके, क्या हुआ? अरे भैया, वो लोग हथियार लेके हमारी तरफ आ रहे हैं, लगता है इधर सुसु करना क्राइम है। अरे इधर क्या, कहीं भी सुसु करना क्राइम है। अरे जम्बो, ये लड़की मेमने के पीछे क्यों भाग रही है? चीटो भाई, लगता है उसको पकड़ने के लिए दौड़ रही है। ये कैसे मालूम? जिस तुरही से दौड़ रही है लगता है मेमने को ही पकड़ रही है। अरे अरे बेचारी गिर गई, चल यार उस बेचारी की मेमना पकड़ने में मदद करते चल। ओके ओके ओके, तू कोट पकड़, मैं इसे पकड़ता हूँ। क्या बोल रही, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोली तो छोड़ो नहीं, बस तिम्रो लागे बलि चढ़ाउनु पर्छ फेरि जाउँ एउटा। अच्छा तिमीले भनेको छोडिदिनुस्, तिमीले छोडिदिएनौ। क्या बोल रही है? छोडेको क्या बोल रही है? थैंक्स कह रही है। थैंक्स बोल रही है, चिल्ला रही है, तो मेरे को डांट रही थी। एक्सक्यूज मी, आप लोग इंडिया से हैं? आप हिंदी जानते हैं? अच्छी तरह, मैं भी इंडिया से हूँ, चोपड़ा फ्रॉम दिल्ली। अरुण मेरा दोस्त जंबो। भाई साहब, आपने सुना लड़की क्या कह रही थी? ये इसकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए इसका बाप मेमने की बलि चढ़ाकर देवता को प्रसन्न करना चाहता है, और ये उस बेचारे बेजुबान मेमने की जान बचाना चाहती है, इसलिए उसको भगा रही थी। भगा रही थी जंबो, वो भगा रही थी, और हमने ये सोचा पकड़ने की कोशिश कर रही। नहीं 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 नहीं, पैसा नहीं चाहिए जंबो। एक काम कर, ये पैसे ले और उस मेमने को किसी भी तरह यहाँ ले आ। ओके ओके, कोट चोपड़ा जी। ओके हाँ जी, ओके ओके, चलो जी। ओके ओके, सुनो सीधा कूड़ा नगर। वो मेरा दोस्त मेमना लेने गया है, वो लेकर आएगा मेमना। ओके 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 ओके, इस मेमने की बलि मत चढ़ाइए, बल्कि इसके पैसे मुझसे ले लीजिए। उतर जाओ उतर जाओ, मैंने उसको कुरे बोल सकी ना के मैंने घोष ले बोली रहे था बलि ना चढ़ाओ, मतलब मैं पैसे दी। यदि मैंने बलि चढ़ाई ना बने तो मैं मेरे छोरी को क्या कसरी करूँ? चुप रहा, ये क्या बक रहा है? ये बकरा नहीं है साहब, ये तो मेमना है। वो मेरे कहने का मतलब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर इसकी बलि नहीं चढ़ी तो इनकी बेटी की शादी कैसे होगी? ओके ओके ओके, इनसे बोलो मेरे दोस्त उस लड़की से शादी करने को तैयार हो गई है। सच कह रहे हैं आप? मैं झूठ बोलूं तो आप खड़ी खड़ी मर जाएं। अब मेरे कहने का मतलब है, जब से मेरे दोस्त ने उस लड़की को देखी है एक ही रट लगाए हुए है, शादी करेंगे तो उससे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, बोल रहे थे उसको साठी तुम्हारो चोरी संग ब्याह करना एकदम तैयार था। ओके ओके ओके, आप तो बलि को कैंसर खा दीजिए और बेमने को मेरे को दे दीजिए। दिनोस दिनोस दिनोस। ओके ओके ओके, आयो आयो तू गयो गयो। तिमी से तो बोल दीना कस्तो न राम्रो मान्छे, कुरा पनि बुझ्दैनौ, तिमीलाई छोड़ दिनोस भन्दा किन न छोडेको, तिमी कस्तो मान्छे,
अब बेचारा ने बलि चढ़ाने में भूख है, अब की करे। ओके 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 जंबो तू मेमना ले आ। ओके अरुण भैया आपको तो पता है मेरा दिमाग जंबो जेट की तरह चलता है, थोड़ा झूठ बोला, थोड़ा ड्रामा किया और मेमने को ले लिया। अभी खुश खुश ओके थोड़ी थोड़ी यो केटा ले तिमलाई सारे मन पर आए ना, अब तिम्रो बिहा यो केटासँग गरिदिने भए। बस बस मैं थक जाएंगे। चंबो मुझे देखकर शर्मा क्यों रही है? वो आपको धन्यवाद दे रही है। आप भी बड़ा खुश हो रहा है? वो भी आपको धन्यवाद दे रही है। अरुण भैया वो इतनी देर से हाथ हिला रही है, आप भी हाथ हिलाइए ना। अब यहाँ चलिए गाड़ी रिपेयर हो गई। चलो चलो ये नमस्ते सर। सर ये आपका होटल है याक एंड यति। राम गोपाल जी अच्छे अच्छे होटल में छा रहे हैं। ओके 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 नहीं जाती। बेटी का ब्याह पक्का भायो है ना, मिठाई बांट रहा है, खुश है ना। ओहो अब मिठाई खा लो। हाँ क्यों नहीं। अरे क्यों बेटी, तू अब तो खुश है ना? शुक्र है भगवान का तुझे कोई लड़का तो पसंद आया, लेकिन तेरा जो पति है वो नेपाली नहीं है, हिंदुस्तानी है। तुझे बेटा हिंदी सीखनी पड़ेगी, मैं सिखाऊंगा, सीखेगी ना, है ना? नाइन ओ क्लॉक को बोले थे ये राम गोपाल के बच्चे किधर मर गए? क्या हुआ मैनेजर नहीं अभी तक? नहीं आएंगे। मैनेजर कहाँ है? कहीं मतलब था भाई ना, बोले इनको मालूम नहीं। अरे तुम्हें कैसे मालूम, वो क्या बोल रहा है? जिस तरह से बोल रहे मेरे को मालूम। मैनेजर ऑफिस लेट हुन्छ आउनुस् त, म त पहिले लिएर जान्छु। ओके पता नहीं किधर लेके जाएंगे सारा दिन। ड्राइवर इतनी भीड़ क्यों लगी यहाँ? क्या ऑटो मान चले सजाए दे रहे सर। अरुण भैया इनसे पूछेंगे तो पत्थर में सर मारेंगे। चलिए खुद गदा की करते हैं। अगे अरुण भैया तो अपने राम को पालेंगे। हमारे मैनेजर को बांध क्यों रखा है? इसने एक नेपाली लड़की के साथ शादी का वादा करके उसकी जिंदगी खराब कर दी। oh और अब नेपाली रिवाज के हिसाब से इसको सजा दी जा रही है। पहले चिंता कर दो। लेकिन ये उसके बाल को हटा के गंजा गंजा क्यों कर रही है? ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। नहीं नहीं आप यहाँ से जा नहीं सकते, अब आए तो आपको पूरा देख के जाना पड़ेगा। ओके देखिए 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 चोपड़े जी। हा? ये अंडे और टमाटर का आमलेट बनाकर गंजी राम गोपाल को खिलाएंगे? जी नहीं, अंडे और टमाटर कच्चे ही इसके सर पे मारे जाएंगे। ओह माय गॉड, चल जंबो चलते हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं, आप तो आराम नहीं जा सकते। अगर आपको किसी ने जाते हुए देख लिया तो आपका भी यही हाल होगा। ये तो बहुत अजीबोगरीब रिवाज आएंगे। चोपड़ा साहब ये इसके माथे पर क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं मैं महापापी हूँ, महापापी। और अब इसकी हालत एक गली के कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। और ये हाथ में कटोरा लेकर नेपाल की गलियों में भीख मांगता नजर आएगा। जब वो इतना सब हो रहा अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता। खाना नहीं जा सकते, अभी तो यहाँ के रिवाज के हिसाब से आपके इसके ऊपर अंडे और टमाटर भी मारने हैं। हाथ भी उठ रहे हैं।
ऐसी हो रही है कि अरे हमारी हालत ऐसी क्यों होगी, हमने कौन सा गलत काम किया है। ओके ओके फिर मैं भी एक मारेंगी, मारो मारो। ओके ओके एक्सक्यूज मी, ओके मुझे कुछ साड़ियां दिखाई, मुझे अपनी बीवी के लिए साड़ी चाहिए। ओके 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 और भैया आप नेपाल में, नेपाल में किसी हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, हिंदी से बात कीजिए ना। आई वॉन्ट अ साड़ी फॉर माई वाइफ। ओह ये तो इंग्लिश भी नहीं समझते, आप नेपाल में बात कीजिए ना। चंबो मुझे हिंदी इंग्लिश के सिवा सिर्फ मराठी आती है, नेपाली नहीं आती, आती। अरे भैया देव ने वाली लड़की। वन सेकेंड, आप मेरी मदद करिए, एक मिनट। साड़ी बांधने वाली साड़ी, थैंक यू। यस यस, कौन सी लो? अब मेरे को कैसे पता भाभी को कौन से रंग पसंद है, कौन सी नहीं आएंगी। ओके अरुण भैया मेमने वाली आपको बुला रही है। ये मुझे टोपी क्यों दिखा रही है? अरुण भैया उसने आपकी वाइफ के लिए साड़ी सेलेक्ट की है, हो सकता है उसके बदले में अपने पति के लिए टोपी पसंद आपसे करवा रही है। खूबसूरत साड़ी पसंद की, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सुनिए सुनिए चंबो, साड़ी अरुण भैया साड़ी ले गए, आपको चोपी बना गए। चोपड़ा जी कहाँ है आप? मैं कब से आपको और आपके दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे थे, क्यों ढूंढ रहे थे? भैया शादी है ना, तो आपका आना बहुत जरूरी है। ओके ओके मेरे को पता है, लेकिन चोपड़ा जी मेरा फ्रेंड बहुत बिजी, वो शादी में अटेंड नहीं कर सकती आएंगी। हाँ तो मैं उनको इनवाइट थोड़ी कर रहा हूँ, एक घंटे के बाद मनीषा के साथ उनकी शादी है। क्या बात कर रही है, एक घंटे बाद इतना जल्दी जल्दी? हाँ इतना जल्दी, एक घंटे के बाद का मुहूर्त निकाला ना पुजारी ने। मर गए मर गए। क्यों क्या हुआ चोपड़ा जी? एक्चुअली में हुई क्या थे कि मेमना लेने के चक्कर में मैं आप सबसे झूठ बोल रहे थे कि मेरे दोस्त मनीषा से शादी मनाएंगे। आपने झूठ बोला था? हाँ आपने नेपाल में झूठ बोला था? नेपाल में? आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर आप ऐसा कीजिए, मनीषा की शादी कहीं और बना दीजिए, मैं दहेज दे देंगे। ओके ये नहीं हो सकता। ओके नहीं हो सकता ये। ओके नॉट ओके, समझने की कोशिश कीजिए, मेरे दोस्त ऑलरेडी शादीशुदा होंगी। शादीशुदा? लेकिन मनीषा तो उसको मनी मन अपना पति मान चुकी है। मनी मन तो छोड़िए, कुछ करिए। अरे क्या छोड़ूं क्या करूं? अगर इस पुजारी को और यहाँ की जनता को पता चल गया ना, तो आपका दोस्त आपके मैनेजर की तरह टकला होकर हाथ में कटोरा लेकर यहाँ की गलियों में भीख मांगता दिखाई देगा कि नेपाल है साहब नेपाल। एक घंटा में कसे को ब्याह सर, छिटो कर नु, एक घंटा में उछा साथी से ना उछा, समझ गए? टकला कटोरा भीख, किधर फंस गए? मैं इधर जाए कि उधर जाए, बड़ी डिफिकल्टी ने किधर जा। ओके 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 अरे भैया चलिए चलिए जल्दी चलिए। अरे कहाँ? मंदिर में। मंदिर में? अरे मंदिर से तो मैं आ रहा हूँ। मंदिर में नहीं, उस मंदिर में, उस मंदिर में मैंने आपके लिए स्पेशल पूजा रखवाई हेंगे। किस लिए जंबो? इसलिए कि आपके घर में क्यूट से बेट पैदा हो, जल्दी चलिए वरना मुहूर्त निकल जाएंगे। तुझे हमेशा मेरी कितनी फिक्र रहती है जंबो, तू वाकई मेरा सच्चा दोस्त है, चल। ओके ओह गॉड, शुभ काम के लिए जा रही थी, मनुषा भी किधर से आ गई? इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती जंबो, कौन है ये? अरे ये हमारे एक्स मैनेजर होंगे। एक्स मैनेजर? ये अपना मैनेजर गोपाल है? अरे शर्म नहीं आती कम्बक,
भीख मांगने के बजाय रेलवे की पटरी पर सड़क का जानकारी दे देता। अरुण भैया, इस वक्त हम किसी को सलाह देने की सिचुएशन में नहीं आएंगे। लेकिन क्यों जंबो क्यों? इसलिए कि कल किश्ती देखे कुछ भी हो सकती है। बाबा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अरुण भैया। अरे क्या हुआ जंबो, क्या हुआ? अरुण भैया, मैं देखी कि आपने अपने हेयर स्टाइल चेंज कर लिएंगे। हेयर स्टाइल चेंज कर दिए? कैसा लग रहा था मैं? अरुण भैया, इस सूट में वो हेयर स्टाइल आपको सूट नहीं करती है। ओके ओके, कुछ और सोचते हैं। अरे जंबो, तुमने कहा पूजा, यहाँ तो ऐसा लग रहा है किसी की शादी हो रही है। नहीं अरुण भैया, पूजा ही हो रही है। यह सब के सब अपनी मन्नत मांगने के लिए बैठी है। मन्नत मांगने की लिस्ट में आपका नंबर टॉप पे आएंगे। चलिए आलसी पे फालसी पार की बैठ जाइए। बैठ गए, बैठ गए। ये तो चावल ऐसे दे रहे जैसे भीख दे रहा मुझे। अरुण भैया, नेपाल में पूजा ऐसी होती है। आगो को साक्षी रखा रहा। क्या बोला? ये कह रहे हैं कि आपको रात चाहिए। चाहिए चाहिए, एक लड़का एक लड़की। नहीं नहीं, दो लड़का दो लड़की। पिताजी बहुत खुश होंगे। ओके ओके। पानी को साक्षी रखा रहा। आप कह रहे हैं? समझ गया समझ गया। महाराज दशरथ ने भी संतान पाने के लिए ऐसी ही सूर्या पूजा की थी। मेरे अरुण भैया को पूजा के बारे में कितने अच्छे जनरल होने चाहिए। तब पहले केटी मन पर हो। मन पर हो, मन पर मन पर हो। केटी ले बुलाओ ना, केटी ले बुलाओ ना। आप तो नेपाली भी सीख गए हैं। ओके 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 चंबो, ये मेमने वाले को मेरे पास क्यों बिठाया? भैया, इस पूजा में भाभी को भी होनी चाहिए थी। अब भाभी नहीं है तो पूछा लीजिए, इसी से काम चला रहेंगी। अरे यार, मुझे पता होता तो मैं काजल को जरूर लेकर आता। इसका हाथ मेरे हाथ में क्यों थमा दिया? ये भी एक पूजा का हिस्सा आएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, लो अब तुम्हें दुई जनों को ब्याह भाई लो, लो अब खुशी मनानो जानो। अगे उठ गए मैं भी। पूजा हो गई ना? क्या हो गया अरुण भैया? थैंक्स अ लॉट, आपने मेरी बीवी बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी की। चल जंबो। ओके। अरे अरुण साहब, अकेले कहाँ जा रहे हैं? है? कन्या को तो साथ लेकर जाइए। अरे पूजा हो गई, जाना तो पड़ेगा ही ना। चल जंबो। पूजा नहीं हुई है? हाँ? आपकी मनीषा के साथ शादी हुई है। शादी हो गई है? हाँ। ये क्या कह रहे हैं? अरुण भैया, ये ठीक कह रहे हैं, मैंने आपसे झूठ बोले थे। तूने मुझसे झूठ बोला? ओके ओके, लेकिन अरुण भैया, ये सब करना मेरी मजबूरी थी। मेरी एक गलती की वजह से सब गड़बड़ में घुटाले हो गए। एक्चुअली मैं लाने के लिए मैंने सबको झूठ बोला कि आप मनीषा से शादी कर लेंगे। एक दोस्त होकर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरुण भैया, मेरे को पता नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अरे मंदिर जाने से पहले तो बता सकता था। मंदिर जाने से पहले बताता तो आप चकली हो जाती, कचौरा पकड़ती, भीख मांगती। ये सजा मुझे मंजूर है, लेकिन अनजाने में जो सजा मैं काजल को दूंगा उसका पश्चाताप मैं कैसे करूंगा? मैं इसे बता देता हूँ मैं शादी शुदा। नहीं अरुण भैया, इसका क्या कसूर? कसूर सिर्फ तुम्हारा है, और तुम्हारे कसूर की सजा मैं काजल को नहीं दूंगा। सुनो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, और मेरी शादी हो चुकी है। अरे मैं इतनी सीरियस बात करूँ, ये हंस रही है? अरुण भैया, अरुण भैया, ये बोले बाल ये ना समझी, इसे मैं अभी समझाता हूँ। ओके ओके। ये कौन है? राम। और ये? सीता। करेक्ट, राम सीता। अरे नहीं, एक मिनट, ये मैं हूँ और ये मेरी पत्नी सीता। सीता ये है, तुम नहीं, और हम दोनों पति पत्नी की जिंदगी में कोई तीसरा नहीं आ सकता, समझी? लगता है समझ गई। अबे राम गोपाल, पूरे नेपाल में हम ही मिले भीख मांगने के लिए? मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ सर, मुझे मनीषा ने भेजा है। मनीषा ने? उसका कहना है कि लोगों को सच्चाई का पता चल जाए इससे पहले आप नेपाल छोड़कर चले जाएं।
क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरा जो हाल हुआ है वो आपका भी हो। ओ गॉड, मेरे को पहले से डर लग रही थी कि गड़बड़ में कुछ घोटाले होने वाले हैं। राम गोपाल, तुम मनीषा को हमारा थैंक्स बोलना। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अरुण का हेल्प कर रही है। गॉड ब्लेस हर। ये मनीषा के साथ क्या कर रहे हैं? अरुण साहब, जब इसको आपकी पहली शादी का पता चला तो इसको बहुत बड़ा धक्का लगा। रोती हुई घर पे पहुंची, पूछने पर इसने बताया कि इसको आप पसंद नहीं है। लेकिन ये सच्चाई तो नहीं है? सच्चाई अगर बोलती ना तो जो मुसीबत आज इसके सर पर आई है वही आपके सर पे आती। बेचारी ने आपको तो बचा लिया, आप खुद सजा भोग रही है। नेपाल के रिवाज के हिसाब से अब इसका सर गंजा कर इसको विधवा बना दिया जाएगा। विधवा? जी हाँ, और फिर ये जिंदगी भर किसी और मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगी। ओ गॉड, मनीषा की स्टोरी तो बहुत सैड हो जाएंगी। हस्बैंड प्रेजेंट हैंगी फिर भी लाइफ से अपसेट हैंगी। बकवास बंद कर जंबो, मैं हरगिज ये होने नहीं दूंगा। मैं जाकर सच्चाई बता दूंगा कि असली मुजरिम मैं हूँ। अरे साहब, अब कुछ नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके लिए मनीषा की रजामंदी जरूरी है। नेपाली लड़की जब एक बार किसी को अपना दिल देती है ना, तो फिर उसके लिए अपनी जान तक दे सकती है। वो ये कभी नहीं चाहेगी कि आपके ऊपर कोई आंच आए, कोई मुसीबत का भार टूटे। वो आपको फंसाने के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। जो बाप अनजाने में हुआ मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। वो शादी जो मेरे जानकारी के बिना हुई मैं उसे शादी नहीं मानता। असली शादी तो अब होगी। मनीषा, जब तक मैं मंगलसूत्र नहीं पहनाऊंगा तुम मेरी पत्नी कैसे खिलाओगी? चोपड़ा जी, किसी शायर ने बिल्कुल ठीक कहे हैं, नेपाल में बजे थाली, मुंबई में फड़े गाली। देखा और इसने मुझको देखा, कुछ और मैंने सोचा, कुछ और इसने समझा। बनते बनते शोरी कुछ ऐसी बन गई है, मैं इसका हो गया हूँ, ये मेरी हो गई है। शिव की लीला है, शिव की लीला है ये, और है क्या। लड़की से गलती से लफड़ा हो गया, यहाँ तो ढोल बजने लगा, समझो घर पे झगड़ा हो गया। यहाँ पे बजे ताली, मुंबई में पड़े गाली। यहाँ पे बजे ताली, मुंबई में पड़े गाली। मेरा मैं हूँ राधा तू शाम।
आता आता एक मिनट। ओके ओके मनीषा मैं जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। सीताला ही दिनोस तो मैनेजर लेने आता है, ये अचानक पिताजी क्यों आ गए? अरे भैया मेरे को फीलिंग हो रही है कि यहाँ भी तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर लिए। अरे अब क्या पसंद करेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली तो खुशी से पागल हो जाएंगे। ओके ओके अंकल तुम्हारे जम्बो जम्बो जेट भी बैठ के आ गए अंकल मैं आ गई, पैर भी छू लिए। कैसी रही तुम्हारी नेपाल की ट्रिप? बहुत अच्छी रही पिताजी। पिताजी मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। तेरी गुड न्यूज से पहले मैं तुझे गुड न्यूज देना चाहता हूँ। अंकल अरुण भैया की गुड न्यूज के सामने आपकी गुड न्यूज फीकी पड़ जाएंगे। बेटा मेरी गुड न्यूज शक्कर से ज्यादा मीठी है, कभी फीकी पड़ी नहीं सकती। ओके फिर अपनी गुड न्यूज पहले सुनाइए। हाँ तो मेरी गुड न्यूज ये है कि मैं हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता था ना कि दूसरी शादी कर दूसरी। मैंने सोचा कि आज के बाद सोचना बंद, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं कहूंगा कि तू दूसरी शादी कर। लेकिन अचानक ये फैसला बताता हूं, तेरे नेपाल जाने के बाद एक दिन क्या सोच रहे हैं पिताजी? सोच रहा हूं कि बिना संतान के ये घर कितना सुना सुना लगता है। क्या तुझे इस बात का कभी दुख नहीं होता? मुझे आपसे और अपने पति से इतना प्यार मिला है कि मैं बहुत खुश हूँ। फिर भी कभी ये दुख तो सताता होगा ना कि कोई तुझे इस नाम से पुकारे माँ माँ। आपने अभी मुझे माँ माँ पुकार कर मेरी ये भी इच्छा पूरी कर दी, और फिर कौन कहता है कि मैं संतानहीन हूँ? मेरे दो दो बच्चे हैं, एक आप और एक आपका बेटा, आप दोनों भी क्या बच्चों से कम है? और फिर मैं भी तो एक माँ की तरह आप दोनों की देखभाल करती हूँ। जीती रे बेटी, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी बहू कितनी महान है, हमारी माँ की तरह। आज के बाद मैं कभी भी अरुण की दूसरी शादी का जिक्र नहीं करूंगा। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। बस बेटा उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि तेरी दूसरी शादी के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। लेकिन नेपाल जाते वक्त आपने कहा था कि तू दूसरी शादी कर लेना, अगर मैं दूसरी शादी कर लेता तो मैं काजल को खटमल मारने वाली दवा पिला देता, खुद चूहे मारने वाली दवा खा लेता और पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखाता कि हमारी मौत का जिम्मेदार तू है। पच्चीस टिकट इकोनॉमी की बुक की है और वो चाहता कि मैं 5 के लिए अपग्रेड कर दूं। ये कैसे? कितनी खूबसूरत साड़ी है, ये आपने मेरे लिए खरीदी है? मनीषा ने प्रेजेंट की है। मनीषा? कौन मनीषा? कौन मनीषा? कौन मनीषा? अब एक्चुअली वो सेल्स गर्ल। हाँ सेल्स गर्ल। लेकिन वो मेरे बारे में कैसे जानती है? वो क्या काजल के उसने मेरा पर्स देख लिया और पर्स में तुम्हारी फोटो है ना, और जैसे ही तुम्हारा पर्स देखा भाभी उसने पूछा ये आपकी है कौन? और मेरे साथ साथ कहते ये मेरी बीवी है। बहुत खूबसूरत साड़ी है, आप अपने लिए कुछ नहीं लाए? मैं अपने लिए क्या लाया? बकरी का मेमना लेके आई। बकरी का मेमना कहाँ है? नेपाल में।
मैं जब अगली बार जाऊंगा तो ले आऊंगा। बहुत सुंदर है। बकरी का मेमना लाए। लोग कुत्ते के बच्चे लाते हैं, ये बकरी का मेमना लाए। ये तो किसी लड़की के बाल है। ये जरूर नौकरानी के होंगे। उसने मेरी गैरहाजिरी में ये ब्रश इस्तेमाल कर लिया होगा। क्या उम्र होगी उसकी? यही कोई 17-18 साल। 17-18? अरे मजाक मत कर जंबो, ये डार्लिंग मजाक कर रहा है। उसकी उम्र कम से कम 60-70 साल की तो जरूर होगी। तो फिर ये बाल सफेद होने चाहिए। क्लाइमेट डार्लिंग क्लाइमेट, नेपाल में क्लाइमेट ऐसा होता है 80 साल की बुढ़े बुढ़ी के बाल भी काले होते हैं। एक्चुअली मैं भाभी, नेपाल में बचपन में बाल सफेद होते, उम्र बढ़ते जाते तो बाल काले होते जाते। बकवास बंद कर जंबो। डार्लिंग एक कॉफी ला दो प्लीज, मेरा सर फटा जा रहा। प्लीज जस्ट वन कॉफी। अभी लाइ। ओके ओफो ओके, एक बाल ने ये हाल कर दिया। अरुण, एक बाल ने तुम्हारा ये हाल किया है। अगर बहुत सारे बाल आ गए, आई मीन मनीषा आ गई, तब क्या होंगे? क्या होगी? ये लीजिए कॉफी। ओके ओके। अरे मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। वो हमारे पड़ोस के राजेंद्र जी थे ना, उनकी बीवी ने उनके कॉफी में जहर डाल के उनको मार दिया। कब? क्यों? अरे उन्होंने पहली बीवी से छुपाकर दूसरी शादी कर ली, और जब पहली को पता चला तो उसने कॉफी में जहर डालकर उनको मार दिया। अरे अरे छोड़िए छोड़िए, मैं आपके लिए दूसरी कॉफी ले आती हूँ। ओके लाइए। ओके मुंह गंदा हो गया आपका। ओके अरुण, भाभी की स्टोरी का मतलब समझे? कॉफी मत पीना, चाय पीना। ओके ओके ओके। नेक्स्ट लेटर है मिसेस सजनी पछेल के बड़ौदा से। राइटिंग में लिखती है, मेरे पति रात को मेरे पास आती हैं तो लिपट कर मेरी बजाय किसी सेक्सी फिल्म हीरोइन का नाम लेती हैं। बताइए मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है। जब वो तुमसे लिपट कर किसी सेक्सी हीरोइन का नाम ले तो तुम उनसे चिपट कर किसी ही मैन हीरो की रट लगाओ, तुम्हारे पति की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ओके 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 ओके। ये क्या बज रही है? कौन? ओके हेलो मैं। हेलो जंबो भैया, मैं मनीषा बोल रही हूँ। अरे मनीषा, तुम मुंबई कब आए? मुंबई से नहीं, नेपाल से बोल रही हूँ। नेपाल से? लेकिन इतनी अच्छी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं? मैंने हिंदी सीख ली है चोपड़ा अंकल से। ओके ओके, क्या यही गुड न्यूज देने के लिए फोन किए थे? अब मुझे उनको दूसरी खुशखबरी देनी है, मुझे उनका फोन नंबर दे दो ना। ओके ओके, पेन निकालो, कागज निकालो, मैं देती। हाँ हाँ डेफिनेटली भेज दूंगा। अरुण चलो चलो। अरे काजल तुम यहाँ? पूछो मत, चलो ना। हाँ काजल। अरे चलो तो काजल, मुझे बहुत काम है। हेलो मैं मनीषा बोल रही हूँ नेपाल से। कौन? मनीषा नेपाल से। मनीषा नेपाल से। अरे अरुण मैं अरुण बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं आप? अच्छा और तुम? अरे तुम तो हिंदी बोल रही हो। आपको एक गुड न्यूज देने के लिए मैंने हिंदी सीख ली। अच्छा अच्छा, क्या है गुड न्यूज? आप बाप बनने वाले हैं। बाप? बाप रे बाप, आगे बोलो। मेरा तीसरा महीना चल रहा है। क्या तीसरा महीना चल रहा है? थैंक यू मनीषा, थैंक यू वेरी मच, ये तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। आपकी बहुत याद आ रही है, थोड़ा टाइम निकाल के मुझसे मिलने आओ ना। ऑफकोर्स मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। ओके बाय। ये मनीषा कौन है? मनीषा कौन? मनीषा? हाँ मनीषा, हाँ ये तो मेरी ब्रांच मैनेजर का। ये तीसरा महीना किसका चल रहा है? मेरी दूसरी बीवी का। क्या? मेरा मतलब मुंबई में जो मेरा ऑफिस है वो मेरी पहली बीवी है, और नेपाल में जो ऑफिस है मेरी दूसरी बीवी है। नेपाल में काम खुले तीसरा महीना चल रहा है ना, तो तीन महीने में जो मैंने बरसों की मेहनत की उसी का मुझे फल मिल रहा है। ये तो कितनी खुशी की बात है। मैं भी कितनी पागल हूँ। मैं भी कितना पागल हूँ। चलो ना चलो ना। अरुण भैया, अरुण भैया। ओके ओके ओके। अरे ये सारे क्या कर रहा है? अरुण भैया वो नेपाल मेमने वाली ट्रिंग ट्रिंग। नेपाल से मनीषा का फोन आया था ना, तो इसमें छुपाने की क्या बात है? भाभी आपको सब पता चल गई है। तीसरा महीना चल रहा है राइट? व्हाट? तीसरे महीने का पता होते हुए भी आप गुस्से के मारे आग बबूले नहीं हो रहे? इसमें गुस्से होने की क्या बात है? अरे बल्कि मुझे खुशी है
कि इनकी मेहनत का फल मिल रहा है। काजल भाभी आप बहुत ग्रीन थे, आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत के मारे मेरे सर झुक झुक के जमीन में गड़े जा रहे हैं। अरुण भैया मैं आपको बोली थी ना, आप भाभी को साफ साफ बता देंगे तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। चंबो उसे कुछ नहीं मालूम। What? क्या बोल रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम चलो, तुम कह रही थी तुम्हें कहीं जाना है। मैं नहीं चलेंगी। हाँ चलो यार, आगे की सीट पे बैठेंगी। काजल ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? क्यों ना मिलने से एक बच्चा अपना ले, आओ ना। मगर क्यों काजल? क्योंकि मुझसे पिताजी की हालत नहीं देखी जाती, अगर उनका यही हाल रहा तो वो बिस्तर पकड़ लेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम समझती क्यों नहीं, भगवान ने हमें बच्चा देना होगा तो दे देगा, तुम जरा इंतजार नहीं कर सकती? अरुण भैया जब सालों साल इंतजार करने से कुछ नहीं हुआ तो छह महीने में क्या होंगे? तू चुप कर जंबो। कितना प्यारा बच्चा है। ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, मेरे को बहुत पसंद देंगे। अगर आपको ये बच्चा पसंद है तो ऑफिस में आके पेपर साइन कर दीजिए। हमें ये बच्चा पसंद है, बोलो ना। हाँ बहुत पसंद है। अरुण भैया ये मेरे जैसे स्मार्ट दिखती है ना? हाँ, तुम्हारे जैसे दिखती है। ये बच्चा मेरा है, मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। ये क्या कह रही हैं आप? कल ही तो खुद आप इस बच्चे को छोड़ के गई और आज मांगने आई है? बहन जी मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो, मुझे मेरी बेटी से अलग मत करो, मैं भारत मजदूरी करूंगी, अपने बच्चे को पालूंगी, मुझे मेरा बच्चा दे दो, मेरा बेटा। आई एम सॉरी मैडम, आप दूसरा बच्चा देख लीजिए। नहीं अब हमें कोई बच्चा नहीं देखना। ये क्या कह रहे हैं आप? सोचो काजल, पांच मिनट ये बच्चा तुम्हारी गोद में रहा और तुम्हें कितना दुख हुआ, दस साल पालने के बाद अगर इसके माँ या बाप इसे लेने आ जाते तो तुम्हारा क्या हाल होता। चलो अरुण भैया, तुमने काजल बाबी को छह महीने के अंदर अंदर में एक ऐसा बच्चा जो घर में परमानेंटली रहेंगे लाने का वादा तो कर दिए, लेकिन ऐसा बच्चा लाएंगी किधर से? नेपाल से चंबो। नेपाल से? मनीषा मेरे बच्चे को जन्म देगी और मैं उसी बच्चे को काजल की गोद में दे दूंगा। लेकिन मनीषा इस बात के लिए तैयार हो जाएंगी? मैं मनीषा को समझाऊंगा और धीरे धीरे काजल और पिताजी को समझा बुझा कर उसे भी घर ले आऊंगा। आइडिया तो फैंटास्टिकली गुड लग रहे हैं। मैं कल नेपाल जा रहा हूँ मनीषा को लाने। ओके ओके, जान बचाने से पहले हाथ तो मिला लीजिए। छुटाओ ड्राइवर साहब, आओ छुटाओ।
हो गई है। क्या हो गया? खाना खाने के बाद मेरे को भूख नहीं लगती है। ये तो अजीब सी बीमारी है। दवाई देता हूँ। एक गोली सोने के बाद और एक गोली उठने से पहले लेना, बीमारी दूर हो जाएगी। ओके बहुत बड़ी गोली दे रहे हैं। हेलो डॉक्टर, हाय जंबो, नेपाल से कब वापस आए? सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। मनीषा भी साथ में आई है? मनीषा भी आए हैं। मनीषा, मनीषा हमारे फैमिली डॉक्टर। हाँ नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब। मनीषा माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में उसका बाहर रहना ठीक नहीं है। अरे डोंट वरी, यहाँ उसकी देखभाल बेहतर होगी। और अगर आपको एतराज हो तो कुछ दिनों के लिए रह सकती है। कुछ दिनों के लिए? अरे जितने दिन रहना चाहे रह सकती है, आखिर उसके भाई का घर है। थैंक यू डॉक्टर। पिताजी तो आ गए। आने देना, डरता हूँ क्या? ऐसे नहीं, सख्ती से काम लीजिए। देखती जाओ बस। हेलो पिताजी। हाय काजल। आ गए? कहाँ से आ रहे हैं आप? पिताजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। नेपाल से। ये नेपाल नेपाल क्या, तू बार बार नेपाल क्यों जाता रहता है? इसलिए कि वहाँ एक नई ब्रांच खुली है पिताजी। ब्रांचेस तो हमारी मुंबई में, कलकत्ते में, बेंगलोर में, वहाँ तो तू कभी नहीं जाता। वो ब्रांचेस डेवलप हो चुकी है, नेपाल की ब्रांच नहीं है, उसे डेवलप करना है। ये डेवलपमेंट के बहाने तो कुछ उल्टा सीधा गलत सलत काम तो नहीं कर रहा है? कैसी बातें करे पिताजी आप, खामखा काजल के दिमाग में शक पैदा कर रहे हैं। मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए कि आप सच कह रहे हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैं मेरे सर की कसम क्यों खा रहा है? आपकी उम्र हो चुकी है ना। अच्छा, बाप को पहले मारना चाहता, उठाऊं इनका? मजाक छोड़िए, मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए कि आप नेपाल में कुछ गलत काम नहीं कर रहे। मैं कसम खाता हूँ मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी में अपनी पत्नी के अलावा किसी को छुआ भी तो भगवान मुझे मौत दे दे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलता हूँ। ये औरतों के ईमान का कोई भरोसा नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन अरुण, बेटा हुआ। बेटा हुआ, बेटा हुआ जंबो। ओके बेटा हुआ। क्या मैं मनीषा को मिल सकता हूँ? मिल भी सकती हो, देख भी सकती हो, शी इज ऑल राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं उनको हुआ, मुझे मिले। आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा मनीषा? एहसान तो आपने किया है मुझसे शादी करके। आपको औलाद देकर मैंने पत्नी का फर्ज निभाया है। भाभी मुबारक हैंगे, अरुण भैया मुबारक हैंगे, भतीजे जी मुबारक हैंगे। अरे तुम्हारे नाक अरुण भैया पे गए, आग भाभी पे गए और स्माइल मेरी पे गई है। अरुण भैया तुमसे बहुत अर्जेंट बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी भेज देना है मनीषा। भैया तुमने मनीषा भाभी को बोल दिया है ना कि तुम इस बच्चे को इधर से ले जाएंगे? कैसी बात करो चाहो, मैं बच्चे को लेके जाने वाली बात मनीषा से अभी कैसे कर सकता हूँ? तुमको करना पड़ेंगे, नहीं तो मनीषा भाभी बच्चे से अटैच हो जाएंगे। वो ममता का चक्कर बच्चे को उससे अलग नहीं होने देंगे। नहीं चाहो, कुछ भी हो जाए मैं मनीषा से यह बात नहीं कर सकता। लेकिन काजल भाभी को जो वादा किया उसका क्या होंगे? मनीषा मैंने सब सुन लिया है, बच्चा मेरे पास रहे या आपके पास, बात तो एक ही है। खान जाने में आपके साथ शादी करके काजल दीदी के साथ मैंने बहुत अन्याय किया है। ये बच्चा उनकी गोद में डालकर मैं अपना प्रायश्चित कर लूंगी। आप जल्दी जाकर दीदी और पिताजी को बुला लीजिए। मनीषा। अरुण भैया, वो अंकल और भाभी आ गए। आपने बच्चे को देख लिया? हाँ देख लिया। कहाँ है? तो सही। आओ। ओके। अरुण, इसे देखिए पिताजी, अब तो आप दादाजी बन ही गए। अरे आंखें खोल दी इसने, देखो ना अरुण। मगर बच्चे की माँ कहाँ है? उसकी क्या मजबूरी थी जो वो बच्चा यहाँ छोड़ के चली गई? अब अंकल वो इसको पैदा करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए। मर गई? हे भगवान। मगर ये लड़की क्यों रो रही? अब अंकल इसका हस्बैंड इसको छोड़ के चले गए और आज भगवान ने इसे इसका बच्चा भी छीन लिया।
देखिए ये तो रोने लगा। अरे ना बेटा, अरे बेटा, अरे ले 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 ले, ये तो छुट्टी नहीं हो रहा। ना 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 ना, देखिए ये तो छुट्टी नहीं हो रहा। इसलिए शायद बच्चे का रोना भूखी वजह से था, मैं समझ नहीं पाई। बेटी, तूने इस भूखे बच्चे को दूध पिलाया, ये एहसान है, पर भगवान तुझे सुखी रखे। जिस भगवान ने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीना है वही भगवान तुम्हें न्याय देगा। के लिए चले जाइए, वो लोग देख लेंगे। देखिए ना पिताजी, इसकी नाक तो बिल्कुल इतनी भैरी जैसी है और इसकी शक्ल तो बनी बनाई उन पे गई है और इसकी आंखें जो है बिल्कुल तेरी जैसी है। सच? भैया अंकल, जल्दी जल्दी आओ, ग्रैंड मदर आई। दादी माँ। अरे माँ, ये मुझे बहुत मारेगी, जरा मुझे बचा लेना। माँ पहला हूँ दादी माँ। जी तेरा हो क्या माँ? अचानक अरे मैं यहाँ अचानक नहीं आ सकती क्या? तेरा अपना घर है तो कभी भी आ सकती है। ये खिलौने, ये बच्चा, ये किसका बच्चा है? ये अरुण का है ना? अरुण का है। अरुण का? अरे नालायक, जिस बच्चे की मदद के लिए मैं तीरथ तीरथ डोलती रही कि हे भगवान, इस वंश का आगे बढ़ाने के लिए एक चिराग दे दे, भगवान ने मेरी सुन ली, लेकिन तूने मुझे खबर तक नहीं दी। नहीं, मैंने तुझे गांव में खबर की थी तो पता चला तू हरिद्वार चली गई। वहाँ मैंने खबर की तो पता चला तू काशी चली गई। बच्चा कहीं का बातें बनाने को बहाना चाहिए तुझे। चल पहले मुझे बच्चा तो देख लेने दे। कितना प्यारा है। अच्छा हुआ इस नालायक में नहीं गया, वरना इसके जैसा ही बदमाश निकलता। दादी अभी तो तुझे यहीं रहना और जी भर के ऐसे प्यार करना। तू क्या समझता है कि मैं लल्ले का मुंह देख के ही भाग जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ कुछ दिन रहूंगी और उसके साथ बहुत खेलूंगी और मेरी बहू के हाथ का खाना खाऊंगी। और फिर मुझे मारना भी तो है। हाँ, तुझे मारे बगैर कैसे रह सकते। डॉक्टर, डॉक्टर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कहाँ हॉस्पिटल जा रहे हैं? हाउ इज द लिटिल वन, बच्चा कैसा है? एब्सोल्युटली फाइन। काजल तो उसे एक सेकंड भी अपनी नजरों से दूर नहीं रखती, इतनी खुश है। मैं जरा मनीषा से मिल लेता हूँ। मनीषा, चंबो तू यहाँ? मनीषा कहाँ है? मनीषा तो नेपाल वापस चले गई। नेपाल? मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो बोले, अरुण से कह देना कि मैं उनकी और काजल दीदी की खुशियों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहते और वैसे भी मैं यहाँ पर आएंगे तो अपने जिगर के टुकड़े को देखे मगर रह नहीं सकेंगे, इसलिए चले गए। रहेगी रिंकू के लिए? बहुत अच्छी, अपने रिंकू को बहुत सूट करेगी। आई थिंक इस ड्रेस में हमारे रिंकू एकदम प्रिंस लगेंगी। बता जंबो, रिंकू ये कैसा लगा? आप
आपको पहना है तो पहन लो। अच्छा तो ये कैसे लगी? देख इसमें वांटेड अलाइव भी है। हा? ये लाल वाली, ये देख, ये ब्लू कोट, ये लाल शर्ट, इसमें एक स्कार्फ भी है। क्या चिक चिक लगा रखी है, एक थप्पड़ मारूंगा ना सब चिक चिक निकल जाएगी। कोई जबरदस्ती है? अरे काजल ये तुम्हारा बेटा है ना, बिल्कुल सर पे चढ़ गया। बच्चा ही तो है। आइए आप अपने लिए कुछ ले लीजिए। आइए। ओके मैं दूसरी तरफ सेलेक्ट कर। अरुण भैया, अरुण भैया। अरे क्या हो गया? भाभी भाभी। क्या हुआ जंबो? वो देखो नेपाली नंबर वन। रिंकू, रिंकू कहीं दिखा नहीं? क्या हो बहू? पिताजी पता नहीं रिंकू कहीं चला गया। ये कहीं होगा, ठहरो मैं बाहर देखता हूँ। सलाम साहब, कैसे हैं साहब? हम ठीक है रिंकू साहब, लेकिन आप ड्रेस क्यों पहना है? ऐसा होता है हमको, ऐसा ऐसा लगता है। तो तुम एक काम करो, रात बहुत हो गया है, तुम अंदर जाके सो जाओ। हमको नींद नहीं आती है, दूसरे में सोता हूँ। रात को मेरा दिन तुम्हारे जैसा होता है। जान ले लेंगे हम लोगों की। क्या चला अभी रिंकू? अरे पूरे घर को हिला दिया तूने रिंकू बेटा। पता नहीं तुझमें गुरखों जैसी आदत कहाँ से आ गई। इस बच्चे में ये नेपालियों जैसी आदत कहाँ से आ गई अचानक? वो हाँ, वो हॉस्पिटल में उस दिन नेपाली औरत के इसने दूध पी लिया गलती से। नेपाली औरत का दूध तो एक दिन पिया था, गाय का दूध तो सारे दिन पीता रहता है, तो गाय की तरह सींग नहीं मारता। हो सकता है इसके माँ बाप नेपाली हो पिताजी। ये भी हो सकता है कि माँ नेपाल की हो और बाप यही हिंदुस्तान का हो। आप मुझसे ऐसी बातें करें जैसे मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ पिताजी। आप दोनों भी इतनी रात गए किस बात पे बहस कर रहे हैं? आखिर बेटा हमारा है ना? करेक्ट। मिल गया और क्या। चलिए चलो चलो चलिए, दो रिंकू को मुझे दो। कुछ चक्कर जरूर है, ये बार बार नेपाल जाता है, बच्चा बार बार नेपाली बन जाता है, राज मालूम करना पड़ेगा। रिंकू शर्ट पहन ले। नहीं पहनना। सीधा खड़ा रहे वरना मार खाएगा। दादाजी दादाजी मम्मी मुझे मारती है। देखिए ना पिताजी कपड़े नहीं पहना, चल जल्दी से पहन ले फिर बाहर जाना है। मैं नहीं पहनूंगा। आप भी कुछ कहते ही नहीं। क्या बात है पिताजी? मेरे पिताजी जब छोटे थे तो उन्होंने मेरी दादी के हाथ से कभी भी कपड़े नहीं पहने। मैं भी जब छोटा था तो मैंने अपनी माँ के हाथ से कभी भी कपड़े नहीं पहने। यही आदत तुझमें थी, तूने भी अपनी माँ के हाथ से कभी कपड़े नहीं पहने। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। मैं समझाता हूँ ना, ये जो बच्चा आपने गोद लिया है क्या नाम है उसका? रिंकू। इसमें ये आदत कहाँ से आई? हो सकता है ये आदत उसके पिताजी में हो। उसके पिताजी कौन है? उसके पिताजी कौन है मुझे क्या मालूम। मैं बताता हूँ, बता दे किधर। ये क्या है? मसा, खानदानी निशान है हमारा। पर जरा आगे कर, आगे कर ना। यही निशान तेरे पैर में इसी जगह पे कैसे आया? क्योंकि आप मेरे पिताजी, सिंपल पिताजी। मतलब बाप का निशान बेटे के पैर में आ सकता है। एक मिनट बेटा, रुक 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 रुक, बस बस। तो बाप के पैर का निशान बेटे के पैर पे आ सकता है? करेक्ट। तो ये निशान कहां से आया? हो सकता है इसके पिताजी की जान पर भी मत साओ। पिताजी आप भी बाल की खाल निकाल रहे हैं, मुझे काम करने दीजिए। मैं बाल की खाल नहीं निकाल रहा हूँ बेटे, मैं मस्से में से पोता निकाल रहा हूँ। अंकल मैं आ गई है, तुमने बुलाया मैं चली आई। अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल, कितना क्यूट है रे तू। मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश तू मेरा बेटा होकर मेरे घर में पैदा होता। अंकल पर मैं आपकी बेटी जैसी ही है। बेटे जैसा है ना, बेटा तो नहीं है। अब एक मेरा बेटा है अरुण डफर, 15 दिन से एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब ही नहीं दे पा रहा है। अंकल आप मेरे से सवाल पूछो, मैं जवाब देंगे। इसीलिए तो तुझको बुलाया हूँ मैंने। बड़ा सीधा सा सवाल है, मेरे पिताजी के पैर पे एक काला निशान था। ओके वैसे ही निशान मेरे पैर पे भी है। ओके क्योंकि मैं अपने पिताजी का बेटा हूँ। ओके अरुण के पैर पे भी ऐसे ही निशान है। ओके क्योंकि अरुण मेरा बेटा है। ओके मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसे ही निशान रिंकू के पैर पे क्यों है। वेरी सिंपल, क्योंकि रिंकू अरुण के बेटी है।
नींबू अरुण की बेटी है। फिर से बोल। अरुण की बेटी है। बेटी है। आगे आवाज निकाल, बंद हो गई, बोल नहीं तो मारूंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं मनीषा बोल रही हूँ। मनीषा, अरे कैसी हो, सब ठीक है ना? सब ठीक है, पर आप इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं? अरे मेरी आवाज नेपाल तक पहुंचनी चाहिए ना, इसलिए। मैं नेपाल से नहीं बल्कि यहीं से बोल रही हूँ। यहीं से कहाँ से? अपनी ऑफिस की पीछे वाली खिड़की खोल के मुझे देखिए ना। अरे मनीषा, मनीषा तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अचानक बॉम्बे कैसे आ गया? अचानक ये नहीं आई, अचानक मैं नेपाल गया और उसको लेकर आ गया। पिताजी, आपको मनीषा के बारे में कैसे पता चला? बहुत आसान सी बात है, तेरा वो दुम छल्ला दोस्त है ना, उसके दुम पे मैंने अपना भारी भरकम पैर रखा तो फड़फड़ा के उसने सब उगल दिया। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, वो क्या हो गया कि वो हालात ऐसे देखी? हालात क्या थे वो मैं नहीं जानता, अब हालात ऐसे बना कि मेरी ये बहू घर आनी चाहिए। घर में? हाँ पिताजी, काजल के होते मैं मनीषा को घर में कैसे लेके आ सकता हूँ? अगर ये घर नहीं आएगी तो मैं जहर पी लूंगा। पिताजी ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। पिताजी प्लीज, पिताजी ये नहीं हो सकता। लाता ही नहीं लाता है। अच्छा मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए, 10 दिन का। मैं कुछ करता हूँ 10 दिन का। चलो दिया। मैं कुछ करता हूँ। काम कर बेटा, ये पैसे ले, पर मुझे आइसक्रीम वाली है ना, उनसे जाकर कहे कि माँ मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम वाली बात हमारे को आ गए, लेकिन माँ के नाली बात हमारे को नहीं आए। देख बेटा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तू जाके कह। जबरदस्ती इसको मेरी माँ क्यों बना रहे? देख बेटा, वो तुम्हारी माँ जैसी है इसलिए। देखो पापा, मेरी माँ जैसी है मगर माँ तो नहीं है। तो तू नहीं कहेगा? मैं आंटी कहूँ पापा। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे आंटी ही कहो। लो आइसक्रीम खा लो। सॉरी आंटी, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मेरी मम्मी ने बोले आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाते और है ना सर्दी भी हो जाती है। रिंकू बेटा, तुम्हारे पापा कह रहे हैं खा लो। पापा मुझे नहीं खाना, आपको खाना तो खा लो, ये लो आपका 50 रुपया। रिंकू बेटा, काफी बातें छुपाने लगे हो तुम मुझसे। क्यों, क्या छुपाया मैंने? कल स्कूल में क्या हुआ था? क्या हुआ था? तुम नहीं बताओगे लेकिन तभी भी मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया। रिंकू, क्या हुआ था स्कूल में? हाँ अरे अरे, इतने गुस्से होने की क्या जरूरत है? कल उस औरत ने मेरे बेटे के जख्म पे अपनी साड़ी फाड़ कर पट्टी बांधी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे वो तो मेरे दिमाग से निकल गया, बेचारी ने साड़ी फाड़ दी मेरे बेटे के लिए। चलो स्कूल जाकर उसे थैंक यू बुलाते हैं। ओके चलो चलो। मम्मी यही वो आंटी है जिसने मेरे पेट में पट्टी बांधी थी। हाय आंटी। सुनिए जी, अरे ये तो वही है, आपने पहचाना नहीं इन्हें? नहीं तो? उस दिन इन्होंने तो हमारे बेटे को दूध पिलाया था। अच्छा, कैसी हैं आप? नमस्ते जी। ठीक हूँ। उस दिन आपने एक एहसान मेरे बेटे को दूध पिलाकर किया था और दूसरा एहसान कल इसकी जख्म पर पट्टी बांधकर। इसमें एहसान की क्या बात है? आपने अपनी साड़ी कल इसके पट्टी के लिए फाड़ दी, इसलिए मैं आपके लिए एक नई साड़ी लाई हूँ। अरे जी नहीं, लीजिए ना। जी नहीं, अरे मेरी खातिर रख लीजिए। सुनो, तुम्हारा पति जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, क्या वापस लौट आया? जी नहीं। कितना जलील और घटिया इंसान था, भगवान के लिए उन्हें गाली मत दीजिए। इसे कहते हैं भारतीय नारी। अरे वाह, मर्द कुछ भी जुल्म करते रहे,
और ये भारतीय नारी बनी रहे। तुम रहती कहाँ हो? यही मंदिर में। मंदिर में? तुम्हारा घर बार नहीं है क्या? घर बार नहीं है क्या? नहीं। देखो जमाना बहुत खराब है और फिर तुम खूबसूरत और जवान भी हो, तुम हमारे साथ घर क्यों नहीं चलती? घर पे नहीं। एक तो अकेली है और घर के कामकाज में मेरा हाथ भी बटाएगी। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। रहने दीजिए, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, जो मैं कहती हूँ ठीक कहती हूँ। चलो हमारे साथ चलो। चलो 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 ना। अंकल आपकी इच्छा पूरी हो गए? इच्छा नहीं, इच्छा। अच्छा ओके ओके। मेरी नहीं, वो घर पे आ रही है, रोक उसको, मैं आरती का सामान लेकर आता हूँ, रोक उसको। ओके 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 ओके, रुक जाइए अंकल, आप लोगों की आरती उतारने आ रही है। लेकिन पिताजी किसकी आरती उतारने आ रहे हैं? बेटी पहली बार घर में आ रही है ना। पहली बार आ रही तो क्या हुआ पिताजी? रस्म अदा करनी पड़ेगी या नहीं? लेकिन पिताजी आप एक नौकरानी के लिए क्यों ये रस्म पूरी कर रहे हैं? नौकरानी? ये नौकरानी काजल का मतलब है, ये बेचारी बहुत परेशान है और घर में कामकाज हाथ बटाने के लिए काजल इसे यहाँ ले आई है। पर ये पहली बार इस घर में आ रही है ना? हाँ। मेरी माँ ने कहा था जब भी कोई स्त्री जाती घर में पहली बार आती है तो उसकी पूजा करके घर में लाना चाहिए, वरना अपशगुन होता है। करेक्ट 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 करेक्ट। जब रानी अलग, जिस लड़की ने तुझे बाप और मुझे दादा बनाया, खानदान को चिराग दिया, घर को वारिस दिया, उसे रानी बनाने के बजाय तूने नौकरानी बना दिया। मैं क्या करता पिताजी, काजल के सामने मुझे मजबूरन करना पड़ा। मैं कुछ नहीं जानता, अगर 10 दिन के अंदर तूने पत्नी का और घर की बहू का दर्जा नहीं दिया तो याद रखना। तो क्या आप आत्महत्या कर लेंगे? मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं जाके काजल को सब बता दूंगा। तो फिर मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। धमकी देता है? ओके ओके वरी नॉट अंकल, आप देखना मेरा अरुण पहली बीवी की आंखों में दूध झोंक कर दूसरी को पहली का दर्जी दे देगा। अबे दर्जी नहीं दर्जा देगा यार, तू भी तो घनचक कर। ओके अच्छा सुन, मैं क्या चाहता हूँ, ये दोनों मेरे अरुण की जीवन संगनिया बनकर इस घर में सदा खुश रहें। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। को देखे मैं उसको देखूं, वो मेरा सोचे मैं उसका सोचूं, उसको गलती से चूमूं तो देती है वो गाली। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। Achika chipi chum, 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 achika chipi chum.
की छोरी। ये है शहर की गोरी, वो है गांव की छोरी, दोनों के हाथों में मेरी पतंग की डोरी। ये दोनों असली, ये दोनों नकली, वो है नेपाली बुलबुल, ये मुंबई मिर्ची वाली। एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। छुपा के ले जा रहा है, बता बता। अरे बता ना फूल किसके लिए? घर वाली के सर पे तो बहुत लगा चुका हूं, आज बाहर वाली के लगाऊंगा। अच्छा ये बैग मुझे टिका गया। अरे किसे देख रहे हो? किसे? अरे तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, और किसे ढूंढ रहा हूँ? कहाँ थी तुम? सारा घर छान मारा। क्यों, कुछ काम था क्या? अरे काम होना जरूरी है क्या? मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। मेरे लिए फूल लाए हो? हाँ। इतने दिनों के बाद फूल लाए हो, कुछ खास बात है क्या? काजल, खास बात होना जरूरी है क्या? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। तुम्हारे लिए फूल नहीं लाऊंगा तो और किसके लिए लाऊंगा? ये इधर उधर क्या देख रहे हो? ठीक से फूल लगाओ ना। ठीक से तो लगा रहा हूँ मैं। अरे एक सेकंड, लग नहीं रहा, जरा हेल्प करो ना मुझे। ये लो। लग गया ना? वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो, जाकर आईने में देखो, कमाल लग रही हो। सच? हाँ। मैं अभी आई। मनीषा, तुम्हारे लिए फूल लाया था, रास्ते में काजल मिल गई, फिर भी तुम्हारे लिए आधे बचा के लाया हूँ। रहने दीजिए ना, कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, तुम मुड़ जाओ, मैं लगाता हूँ। ठीक है। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। तू यहाँ क्या कर रहा बेटे? बालों में फूल कैसे लगा दिया वो देख रहा हूँ। अरे तेरी मम्मी को जब मैं फूल लगाता हूँ तब नहीं देखता? देखता हूँ, मगर इससे फूल क्यों लगा रहे हो? देखो बेटा, ये भी तुम्हारी मम्मी जैसी है। और सुन, या 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 देख बेटा, ये बात अपनी मम्मी से मत कहना, वरना इस घर को आग लगा देगी। पापा पापा, तुम मेरी मम्मी से डरते हो तो ऐसा काम क्यों करते हो? चॉकलेट खाएगा? हाँ। आज मैं तुझे बहुत सारे चॉकलेट दूंगा, ढेर सारे खिलौने दिलवाऊंगा, मीठे मीठे बिस्किट। ये चॉकलेट और बिस्किट किसके लिए जी? अरे मेरा बेटा बहुत होशियार हो गया, तू तो मैंने इसको सवाल किया ना, फटाफट उसके जवाब दे दिए। क्या बेटा सवाल किया पापा ने? मम्मी मम्मी, दो चमेली फूल? हाँ। और दो चमेली फूल कितने हुए? कितना स्मार्ट है, मैं तुझे अभी खिलौने दिलाता हूँ, चल चल बेटा। ये कैसा सवाल है?
मनीषा आई दीदी, ये दो साड़ियां मैंने तेरे लिए निकाली है, पहन लेना। सवाल सवाल कहाँ जा रहा है जी? वो मैं घर वाली कहाँ है? ऊपर है। बाहर वाली? किचन में। बेटा? खेलने गया बाहर। गुड। बहुत बदमाशी। मनीषा, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी पत्नी को प्यार कर रहा हूँ। छोड़िए ना, काजल दीदी आई तो? तुम इतना शोर मचाओगी तो तुम्हारी आवाज सुनकर जरूर आ जाएगी। कितना अरसा हो गया तुम्हें घर लगा है। अरे प्यार के दो शब्द बोलने का तो मुझे चांस ही नहीं मिलता। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा मनीषा। काजल तुम? तुम्हें ये कौन है? तुम इतना गिर जाओगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुम्हें भगवान की तरह पूजा है और तुमने मेरी पूजा को तहस नहस कर दिया। वो काजल क्या है? वो तुम्हारे धोखे में मैंने इसे गले लगा लिया। अरे मुझे क्या पता तुमने अपनी साड़ी इसे दे दी। और ये क्या कह रहे थे कि प्यार करने का चांस नहीं मिलता, जबकि रोज रात को मेरे साथ बेडरूम में प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते हो। अरे उस रात को गुजरे 15 घंटे हो गए काजल, 15 घंटे। और ये जो बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय नहीं हो रहा था, और क्या हो रहा है? पहले मैं तुमसे खुलेआम प्यार करता था, हॉल में प्यार करता था, किचन में प्यार करता था, और जब से ये आई है मुझे प्यार करने का चांस ही नहीं मिल रहा तुमसे। मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? तुम अपने अरुण पर शक कर रही हो, अपने अरुण पर शक कर रही हो। जी चाहता मैं आत्महत्या कर लूं। ये क्या कर रहे हो? तो और क्या करूं? जिस प्यार की देवी को मैंने अपने मन मंदिर में सजा के रखा था, तुमने अपने शक की ठोकर से उस मंदिर को चकनाचूर कर दिया। मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। हे भगवान, मुझे ऊपर बुला ले, मुझे ऊपर बुला ले। मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पापन हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मनीषा मेरी बहन, मैंने बेकार में तुझ पर शक किया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं काजल, कोई बात नहीं काजल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं काजल, कोई बात नहीं। काम करते करते तुम थक गई होगी, प्यार करके मैं तुम्हारी थकान दूर कर देता हूँ। आपको डर बिल्कुल नहीं लग रहा? अरे तुम मेरी पत्नी, और पत्नी से क्या डरना? पर अब कौन देख रहा है मैंने? तुमने मुझे क्या समझ कर पकड़ा था? क्या 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 हुआ काजल? अरे क्या नहीं हुआ, उस दिन तुमने चाकू उठा लिया था, आज मैं चाकू उठा लेती हूँ। नहीं जी रहा मुझे। नहीं काजल, मेरी बात से क्या कर रही हो काजल? तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझ पर? अरे उस दिन मैंने गलती से ऐसे पकड़ा, तुम नाराज हो गई। आज मैंने तुम्हें जानबूझ के पकड़ा, तुम फिर नाराज हो गई। करूँ तो मैं क्या करूँ? झूठ बोलते हो तुम। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैंने तुम्हें किचन में काम करते देखा तो मैं चलाया, और मैंने तुम्हें एक सेकंड पहले क्या बोला था? क्या पत्नी से प्यार करते हो कोई डरता है? और तुम मेरी क्या हो? तुम मेरी क्या हो? पत्नी। और तुम फिर नाराज हो रही हो मुझ पर? मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफ नहीं करूंगा, प्लीज। प्यार करूंगा, वो भी किचन में नहीं बाहर। चलो। शुरू होने का वक्त हो गया, गधा आया नहीं। अरे क्या है, कितनी देर लगा दी? थैंक यू पिताजी, जिंदगी में पहली बार तो आपने अच्छा काम किया। पहली बार? अरे सबसे पहला अच्छा काम वो किया था कि मैंने तेरी माँ से शादी की, और दूसरा अच्छा काम ये किया कि तुझको जन्म दिया। मजाक कर रहा हूँ पिताजी, मैं टिकट को पकड़ पकड़ के लिए आई हूँ जी। सिर्फ 2 टिकट पिताजी नहीं देखेंगे क्या? अब कबाब में अगर हड्डी पसंद है तो जा 3 टिकट लेकर। पिताजी आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अरुण भैया, अंकल, वो काजल भाभी जैसे कौन हैंगे? काजल ही है। काजल मर गया। पिताजी आप एक काम कीजिए, मनीषा को लेकर थिएटर में जाइए। मेरी क्या बात करता हूँ मैं इसको? पिताजी मैं जैसा कहता हूँ वैसे कीजिए, मैं काजल को संभालता हूँ। अंकल मैं भी आपके साथ चलेंगी। कमाल है, मेरे से टिकट मंगाती है, पिक्चर नहीं दिखाती है, मैं किधर जाती है? मम्मी पापा। रिंकू बेटा,
मैं यहाँ कैसे, वो स्टेटर का जो मैनेजर है ना वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसे मिलने आया था। अच्छा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, पिक्चर देखने तो नहीं आई हो ना? और क्या, रिंकू जिद कर रहा था कि उसे यही पिक्चर देखनी है, इसलिए लाना पड़ा। चलिए ना साथ देखते हैं। लेकिन ये पिक्चर तो बहुत बोरिंग है। मुझे ये पिक्चर देखना है। अरे बेटा ये पिक्चर बच्चों के लिए नहीं है। आप भी कमाल करते हैं, बच्चा जिद कर रहा है आप उसे मना कर रहे हैं, चलिए ना। बच्चा जिद कर रहा तो तुम ये पिक्चर दिखाओ। इतने दिनों के बाद तो छुट्टी मिली है आपको। जी 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 जी, कितनी शर्म की बात है, पिताजी की उम्र देखो और उस नौकरानी की, अरे बेटी की उम्र की है और तभी भी उसको पिक्चर दिखाने लेके गए। बेटी समझकर ही पिक्चर दिखाने लेके होंगे काजल। ज्यादा तरफदारी मत करो उनकी, अब जब वो आएंगे तो उनसे पूछना, अच्छी तरह खबर लेना उनकी। काजल ये अच्छा लगता है कि बेटा बाप की खबर लेगा? अरे वाह, क्यों नहीं अच्छा लगता है, अगर ढील दी तो आज तो पिक्चर देखने गए थे, कल जो बीत जाएंगे परसों किसी होटल में। जी 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 जी, जी। ये तो बहुत लंबा सोच रही है। मेरा मतलब वो आएंगे तो उनकी खबर लूंगा मैं, आने दो उन्हें। वो देवर राम की पिक्चर थी ना? लो आ गए। आ गए, अच्छी थी, अब तमाशा देखना। चलने वाले कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? क्यों तुझे पता नहीं है? पता नहीं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, बहू जैसी उम्र की नौकरानी को पिक्चर ले जाते हो अच्छा लगता है? अब क्या करें, इसके पति को उसकी परवाह नहीं है, इसकी अच्छाई बुराई को देखता नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको सिनेमा दिखाने ले जाऊँ, तो कुछ बुरा किया मैंने? कुछ बुरा नहीं किया। क्या कुछ बुरा नहीं किया? बहुत बुरा किया। ऐसा लगता है भाई कि तुम लोगों को मेरी नीयत पे शक है। ठीक है तो अगली बार से तुम उसे सिनेमा दिखाने ले जाना, ये भी ठीक है। क्या आप घर की नौकरानी को पिक्चर दिखाने ले जाएंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? और तू, इनकी तो उम्र हो चुकी है, तू इन्हें मना नहीं कर सकती थी? वो क्या है काजल, ये तो बेचारी रानी है, मेरा मतलब नौकरानी है, मालिक की बात को इनकार नहीं कर सकती, इसलिए चली गई। क्यों मनीषा? जी ये जी जी क्या कर रही है, चल अंदर जा। आप भी अंदर जाइए। पिताजी पिताजी, आपका कमरा यहाँ नहीं वहाँ है। बेचारे कितने डर गए, अब भूलकर भी दोबारा पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। मामी मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा दो मिनट में सामान रख के आई। हाँ नहीं मामी, मुझे बहुत भूख लगी है। दो मिनट में आती हूँ, बस दो मिनट। अभी आई बोला ना? नहीं नहीं मामी, भूख लगी है। हाँ, ये सब मेरे लिए। हाँ ये सब तुम्हारे लिए। मनीषा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाने की? रिंकू भूखा था इसे, मैं इसकी माँ हूँ, मुझे इसकी भूख का एहसास है। तुम्हारी औकात इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की है, इसके आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। दीदी मैं खबरदार, जो मुझे दीदी कहा ये मत भूल के मैं इस घर की मालकिन हूँ, समझी? मैंने बोला था ना मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, एक नौकरानी के हाथ से खाना खाने की क्या जरूरत थी? बोल, भूख लगी थी, खा लिया था, क्या हुआ? जवाब देता है, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। चलो पर चल। क्या इंसाफ है? अरे जिस माँ ने अपनी कोख से जिस बेटे को जन्म दिया है, उस माँ को अपने बच्चे को खाना तक खिलाने का हक नहीं है, और ये बाप खड़ा खड़ा सारे जुल्म का तमाशा देख रहे हैं मगर जबान तक नहीं हिला सकता। अरे शर्म आती मुझे ऐसे कायर औलाद को जन्म देते हुए, लानत है मुझ पर। अरुण भैया, अरुण भैया, मैं अरुण भैया, ये सर को पकड़ पड़ के परेशान क्यों खड़े होंगे? मैं हालात से भाग रहा हूं चंपो, जो कुछ भी हो रहा है उसका दोषी मैं हूं। चाहते हो भी मैं मनीषा को उसका हक दिला नहीं सकता और काजल को बता नहीं सकता, क्योंकि औरत जिंदगी में सब कुछ बांट सकती है, अपना मंगलसूत्र नहीं। और बांटे भी क्यों जबो, हम पति
अपनी पत्नी की जिंदगी में किसी गैर मर्द का साया भी बर्दाश्त नहीं करते। ये तो हालात ऐसे हैं चंबू, वरना इन दोनों के साथ जो हो रहा है भगवान किसी दुश्मन के साथ ना करे। अरुण भैया, ऐसी सिचुएशन में इंसान हालात को नहीं संभालती, हालात इंसान को संभालती होंगे। ओके ओके, चल गाड़ी में बैठो, घर चलो। ओके ओके, मैं भी पीछे से आ रही है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ए बेटी, फिर क्या कर रही है? तू इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है। पिताजी, आपके लिए और उनके लिए मैं इस घर की बहू हूँ। फिर ये काम मैं गैरों के लिए थोड़ी कर रही हूँ, अपनों के लिए कर रही हूँ ना। ये तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य की बात है। पति के कसूर की सजा तू भुगत रही है। पिताजी, उनका कोई कसूर नहीं, वो तो मजबूर है। हाँ भाई, सभी मजबूर है इस दुनिया में। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, दीजिए ना। अरे घसने दे बेटी, इसी बहाने तुझसे बात करने का मौका मिल जाएगा, थोड़ा सा दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और साथ में घर के थोड़े से बर्तन भी साफ हो जाएंगे। वो नौकर तो मुझसे भी मोटा इतना। अरुण, अरुण क्या है काजल? जरा नीचे तो देखो, तुम्हारे पिताजी क्या गुल खिला रहे हैं। अरे बर्तन ही तो मांजने, और क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? अरे इन्होंने ये तो पहले कभी नहीं किया, और वो भी इस नौकरानी के साथ क्यों? मैं तो कहती हूँ वो इसका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसको शादी के लिए हाँ करा रहे हैं। काजल तुम पागल हो गई हो, जो मुंह में बक रही हो। आज के बाद ऐसे गंदे ख्याल अपने दिल में हरगिज़ मत लाना, समझी? मेरी तो घर में कोई सुनता ही नहीं है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये 12 गुड़ के 4 गुड़ की किसकी परमिशन से अंदर घुसते घुसते आ रही हैं? हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें बुलाया गया है। बुलाया गया है? किसने बुलाया है? आपके मालकिन ने बुलाया है। मालकिन ने? ओके 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 ओके, अंकल देखो 12 गुड़ के 4 गुड़ की हमारे घर आई हैं। पर ये बारात काहे के लिए? शादी के लिए। किसकी शादी? मनीषा की शादी। हमारी मनीषा की? हमारी मनीषा, वो इस घर की नौकरानी है पिताजी। आप लोग बैठिए ना, मैं अभी आई। ओके ओके गुड़की जी, ओके बैठ जाइए। हेलो बेटे, हिलना डुलना बंद करो और घर पहुंचो, यहाँ आग लगी हुई है। अरे आग लगी हुई तो फायर ब्रिगेड बुला, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? अरे कमबख्त, यहाँ शादी की तैयारियां हो रही हैं। किसकी शादी की तैयारी हो रही पिताजी? तेरी दूसरी पत्नी मनीषा की शादी होने जा रही है। मनीषा की? मंगलसूत्र उतार दो, मैं नहीं उतारूंगी, बाद में फिर पहन लेना, अभी तो उतारो। नहीं, ये जिंदगी भर नहीं उतारूंगा। ठीक है, फिर अपने आंचल से छुपा लो, चलो चलो। यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आप लोग से कहा था। तू भी देख ले, इनमें से जो पसंद है बता दे। मगर किसके लिए दीदी? तेरी शादी के लिए। घबरा मत, मैंने इन्हें कह दिया है कि तेरी दूसरी शादी है। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मनीषा, मैं अभी आई। देख बेटा, मनीषा की शादी के लिए पूरी बारात आई हुई है। तुम सब लोग जाओ यहाँ से, गेट आउट, गेट आउट। अरुण जरा रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? सही कर रहा हूँ, सुना नहीं आप लोगों ने? सुना नहीं आप लोगों ने? अगर एक मिनट में आप लोग यहाँ से बाहर नहीं गए तो आप लोग पैरों पर नहीं जाओगे, गेट आउट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बारह घंटे। ये क्या किया आपने? आपको पता है मैंने मनीषा की शादी के लिए कितनी परेशानी उठाई है? तुम जानती हो मनीषा की शादी हो चुकी है। तो जिस लड़की को एक बार मंगलसूत्र पहनाया गया हो दोबारा उसको नहीं पहनाया जा सकता है। तो फिर जिसने मनीषा को मंगलसूत्र पहनाया वो है कहाँ? वो जहाँ भी है मेरे भगवान है।
देखो मनीषा, अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। मनीषा कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। किसके लिए? आपके लिए या आपके पिताजी? आज तुम्हारी वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। जब से तुम इस घर में आई हो, इस घर की खुशियां निकल गई हो। अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। निकल जाओ, मैं आपकी खुशियों के बीच कभी नहीं। इस घर से कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपके दिल में इसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? क्यों नहीं जाएगी इस घर से? सुनना ही चाहती हो तो सुनो, इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना हक मनीषा का भी है। तुम एक नौकरानी को मेरे बराबर का दर्जा दे रहे हो। मनीषा नौकरानी नहीं है, इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है। रिंकू ने मनीषा की कोख से जन्म लिया। भाभी, जो कुछ भी हुए अनजाने में हुए, इसमें अरुण की कोई गलती नहीं। सच तुम समझी किस तरह मनीषा की शादी अरुण से हो गई। मनीषा, जब मैं तुम्हें सड़क से उठाकर लाई, एक सर छुपाने की जगह दी, तुम्हें एक बहन का दर्जा दिया, तब तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि दीदी मैं तुम्हारी सौत हूँ, मैंने तुम्हारा सुहाग छीना है, तुम्हारे मगर से तुम्हें धोखा डाला। काजल प्लीज मत बात कीजिए मुझसे, आप एक धोखेबाज पति हैं, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, और ये जानते हुए भी कि आप मुझे सत्ता सुख नहीं दे सकते, मैंने आपका साथ दिखाया। नहीं बेटी, ये तेरी गलत फहमी है। मेरा बेटा संतान पैदा कर सकता, और अगर नहीं पैदा कर सकता तो मनीषा की संतान कहाँ से होती। और बेटी, सच्चाई तो ये है डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार कि तुम बच्चे की मां कभी नहीं बन सकती। तुमसे सच्चाई छुपा के रखी और तुम्हारी कमजोरी को अपने सर ले लिया बेटी, क्योंकि वो जानता था कि तुम ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। बेटी, अरुण को इल्जाम मत दो, वो बहुत नेक बच्चा है। उसे कई बार मैंने शादी के लिए मजबूर किया, मगर उसने कहा मैं सारी जिंदगी औलाद के बिना रह सकता हूँ, मगर अपनी काजल को कभी दुखी नहीं कर सकता। मैं तेरी कसम खाकर बोलता हूँ बेटी, उसने ऐसे ही कहा। और बेटी, मनीषा ने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसने तेरी खुशी के लिए अपनी ममता को कुचल कर वो औलाद तेरे दामन में डाल दी, ताकि तुझे कभी एहसास ना हो कि तू जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। बस जी, बस। काजल, अगर अब भी तुम मुझे गुनहगार समझती हो तो तुम में से किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाता हूं। ना मुझे घर वाली चाहिए, ना बाहर वाली। रिंकू बेटा, चल जाओ। लेकिन अरुण, भाभी इसको छोड़ के चल। चल बहुत अच्छी लगती है। अरे कितना अच्छा कुत्ता है, छोरी बकरी है। दादी माँ, दादी माँ, मेरे बच्चे। जीते रहो, जीते रहो। अरुण, तू अचानक दखता खबर, खैरियत तो है ना? हाँ दादी माँ, सब ठीक है। मैंने सोचा तुम अकेली रहती हो, इसलिए हम यहीं सब तुम्हारे साथ रहेंगे। वो तो ठीक है, चलो, मगर
किसी से झगड़ा वगड़ा करके नहीं आया ना? ग्रैंड मदर, झगड़ा वगड़ा करके नहीं, झगड़े से भाग भाग के आएंगी। ठीक है, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय पी लो, फिर बातें करते हैं। आओ अरुण भैया, ये अंकल जैसे कौन ही? ये तो अंकल ही आएंगी। एक तरफ है घर वाले, एक तरफ बाहर वाले। ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। घर वाली हॉट हॉट बाहर।